सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम Thank you.
गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम स्थली पर भगवान याज्ञवल्क ये कथा भरद्वाज जी को कह रहे हैं। शिवचरित्र पुनः हम याद दिला दें, साधक में पात्रता निर्माण करता है, बिना पात्र पदार्थ नहीं रह सकता। राम कथा को भरने के लिए परम विवेक याज्ञवल्क पात्रता निर्माण कर रहे हैं ताकि उसमें राम कथा भरी जा सके। तो उमा का चरित्र तो हमने संक्षेप में देखा कि नारद जी को सद्गुरु मान करके कड़ी तपस्या की, लेकिन भक्त दुखे दुखी भगवान शिव जी भी उमा के विरह में स्वस्थ नहीं रह पाए। वो बहुत घूमते रहे, कोई जगह राम कथा सुनते रहे, कोई जगह स्वयं कुछ कहते रहे, ऐसे घूमते फिरते शिव जी महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं एक जगह बैठकर अंतर्मुख हो गए, ध्यानस्थ हो गए और बहुत समय बीत गया। शिव जी का इनेम प्रेम को देखकर, उनके हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखकर वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नेम प्रेम नेम प्रेम संकर कर देखा नेम प्रेम संकर अविचल हृदय भक्ति के रेखा अविचल भक्ति के रेखा। तो परमात्मा सारंग पाणी शिवजी के सन्मुख प्रकट हुए और शिवजी को जगाते हैं। शिवजी की समाधि रामचरितमानस में दो बार तोड़ी गई, एक बार श्री रामभद्र के द्वारा, दूसरी बार काम के द्वारा। राम जी ने जागृत किए शिव को और कहा भोलेनाथ मैं किसी पर प्रसन्न हो जाता हूं तो साधक को कहता हूं मांगो, लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, उल्टा है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए, महाराज आप मैं क्या दूं। बोले इतना मेरा मांगा आप पूरा करें कि आपने जिस सती का त्याग किया उसने दक्ष यज्ञ में देह जलाकर भस्म कर दिया, नया जन्म लिया, नारद को गुरु मानकर कड़ी तपस्या की, मैंने आकाशवाणी से वर दे दिया कि शिव जी आपको मिलेंगे, तो अब जब हिमाचल आपको निमंत्रण दें तब जिद छोड़कर आप पार्वती का पानी ग्रहण करें, आप भवानी का स्वीकार करें, शैलजा के साथ आपका ब्याह हो, यही मेरी इच्छा है, यह मोहि मांगे देहू, ये मुझे दो। भगवान शंकर ने शुरू में तो कहा कि महाराज कहां पुनः हमको रखते हो इस संसार, एक बार देख लिया संसार पुनः क्यों डाले जा रहे हो, और बिल्कुल सही बात है।
एक बार जो देख लेता है वो दूसरी बार भूल नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक 15 दिन बैठा और 15 दिन के बाद वो परमहंस को पूछने लगा कि 15 दिन के सत्संग में मेरे मन में दुविधा पैदा हो गई कि अब मैं शादी करूं कि न करूं। परमहंस ने मुस्कुराते हुए परमहंस ही जवाब दिया कि दोनों में से जो करो पछताना ही होगा, या तो ब्याह कर लो या तो कुंवारे रह जाओ, पछताना ही रहेगा। शिवजी ने कहा महाराज इच्छा नहीं है दूसरी बार। बोले नहीं, मैं कहता हूं आप ब्याह करो, क्योंकि कई बार संसार में योगियों को भी ईश्वर बलात् गृहस्थाश्रम डालते, क्योंकि यदि योगियों का गृहस्थाश्रम नहीं होता तो महान संतान की संसार को प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारा पूरा ऋषि कुल गृहस्थ दिखाई देता है, पूरा ऋषि कुल। और इतना ही नहीं, कई ऋषियों को तो एक से ज्यादा पत्नियां बताई गई है, कितना बड़ा लंबा परिवार बताया। इसलिए कि योगी संसार में नहीं जाएगा तो कौन कार्तिक स्वामी को जन्म देगा, कौन संसार की समस्या का हल करेगा। तो महाराजा आपको ब्याह करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो आपका आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूं, क्योंकि मैं सेवक हूं। भगवान ने कहा आज्ञा शिरोधार्य नहीं करो, हृदय में रखो। बोले क्यों, मैं सेवक आप स्वामी, नियम तो ऐसा है कि स्वामी की आज्ञा सेवक शिरोधार्य करें। बोले वो ठीक है, लेकिन आप सिर पर मत रखना आज्ञा। क्यों? बोले मुझे डर है, आपकी मस्तक पर जटा है, जटा से गंगा बहती है, तो रखी हुई आज्ञा कहीं गंगा के प्रवाह में बह जाए तो मुझे दोबारा आपको स्मरण करवाना पड़ेगा, इसलिए आज्ञा हृदय में रखो। हमको ये प्रेरणा दी है कि भक्ति के प्रवाह में कहीं परमात्मा की दी हुई अनुशासनी आज्ञा हम भूल न जाए। भक्ति तो करना है साधकों को, लेकिन भक्ति, और ध्यान देना, जहां सचमुच भक्ति आती है वहां विवेक होता ही है। कभी कभी भक्ति का आवेग इंसान को विवेक से च्युत कर देता है, और हम नाम ले लेते हैं, प्रेम में नेम नहीं, नहीं नहीं वो मीरा कह सकती है, हम और आप कहने के अधिकारी नहीं। मीरा को अधिकार है, हम और आप धरातल। लोग बड़ों लोगों को अपने दिमाग में लेकर अपनी तुलना करने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। तुम उस भूमिका में पहुंच जाओगे तो अपने आप उसका अनुभव कर लोगे, तुलना मत करो। लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग पीते हैं तो हम पिए इसमें क्या, हाँ जरूर पियो, खूब पियो, हमारी सलाह है, जरूर मैं कहता हूं, दिल से कहता हूं खूब पियो, लेकिन शंकर के नाम पर पीनी है तो शंकर ने समुद्र मंथन से कालकूट भी पिया है, थोड़ा वो भी पिया करो। यदि शंकर के नाम पर ही चलना है तो सब तरह चलो। विदेशों में लोग पूछते हैं कि तुम्हारे कृष्ण गोपियों के साथ नाचे थे तो हम होटलों में क्लबों में गलियों में नाचे, तो हम तो कृष्ण की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। बोलिए जिसने कभी कृष्ण को सुना नहीं, कृष्ण को जाना नहीं, ये लोग तो तुम्हारा कृष्ण नाचा था गोपियों के साथ तो हम भी नाच रहे हैं महिलाओं के साथ, तो क्या इसमें हर्जा है? महात्मा लोग जवाब देते हैं कि जरूर नाचो, लेकिन भगवान कृष्ण केवल गोपियों के साथ ही नहीं नाचे, एक और जगह भी नाचे हैं, काली नाग की फना पर। तुम जरा एक सांप की फना पर तो नाचो, बाद में नाचने योग्य रहो तो गोपियों के साथ नाचना। तो जहां भक्ति होगी, ध्यान देना, भक्ति है परमात्मा में लगाई अपनी कामना, लेकिन
साधक परमात्मा में जब अपनी कामना लगा देता है तब कामना जलकर भस्म हो जाती है। वही कामना काम नहीं है। संसार में लगाया अनुराग भी राग है और परमात्मा में लगाया राग भी वस्तुतः अनुराग। कामना का बीज जल जाता है। श्रीमद् भागवत जी में आया है जैसे दाना जल जाए खाक हो जाता है बाद में अंकुरित नहीं होता, वैसे साधक की कामना जब ठाकुर के श्री चरणों में लग जाती है, गोपियां भले ही काम से गई लेकिन वहां जाने के बाद कामना काम नहीं रहती, कामना काम नहीं, कामना राम बन जाती। प्रभु में गई कामना के बीज समाप्त हो जाते। तो कहने का मेरा मतलब है कि भक्ति में जहां सही भक्ति है वहां विवेक आएगा ही, धैर्य आएगा, गांभीर्य आएगा। धीरज बिना भक्ति कैसा? इसलिए उपनिषद में सूत्र आया है, धैर्य कंथा धैर्य कंथा धैर्य कंथा। उपनिषदों ने बहुत छोटे छोटे वचन कहे, बहुत मधुर कहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये वचन हम समझ नहीं पाए इसलिए प्रवचन करना पड़ा, वरना प्रवचन की क्या जरूरत है, वचन पर्याप्त है। हम ठीक से दर्शन नहीं कर पाए इसलिए प्रदर्शन का आश्रय लेना पड़ता, वरना प्रदर्शन क्यों, वचन पर्याप्त है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में आप बहुत वचन पाओगे, छोटे छोटे वचन है, एक एक वचन एक एक वेद को लिए हुए है, एक एक वचन एक एक उपनिषद को अपने उदर में समाये हुए है, एक एक वचन एक एक शास्त्र का सौंदर्य निखार रहा, उभार रहा है। ऐसे मधुर वचन कभी सदगुरु बोले, कभी ठाकुर बोले, कभी श्रोता बोला, कभी वक्ता बोला, बड़े दिव्य है। तो ये उपनिषद के वचन हैं, प्रवचन नहीं है। उपनिषद की कथा थोड़ी हो सकती है। कथा में तो हमने आपको पहले भी कहा कि जहां नाम हो, रूप हो, लीला हो, धाम हो, वही कथा, उसको कथा कहते। उपनिषद तो सदगुरु के पास बैठकर जाना जाता है, सदगुरु के पास बैठकर उपनिषद के वचन को उनकी हर आंख की पलक हर चेष्टा पर से शिष्य को मिलता है कि उपनिषद ये है। उपनिषद धैर्य कंथा धैर्य कंथा धैर्य कंथा उदासीन कौपिनम, हे साधु उदासीन कौपिनम उदासीन कौपिनम आनंदमाला 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 आनंदमाला। इस साधुओं के लक्षण बताए, धैर्य कंथा, ए साधु धैर्य तेरी गुदड़ी है, तेरे कंथा धैर्य है। भक्ति मार्ग अनंत धैर्य का मार्ग है। भक्ति मार्ग में प्यास को ही तृप्ति मानना पड़ता है। जो प्यास को तृप्ति मानने को राजी है वही भक्ति कर सकता है। अनंत धीरज के बाद प्राप्ति होती है और साधकों के अनुभव हैं कि जब मिलता है तब लगता है कृपा करके बहुत जल्दी मिल गया। पहले लगता है कि बहुत धीरज रखनी पड़ी, लेकिन जब मिलता है तब प्रत्येक साधक को मिलता है कि जो मिला है उसके लिए मैंने जो कीमत चुकाई बहुत कम चुकाई। मिलने के बाद अनुभव होता है, पहले नहीं होता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भक्ति
धैर्य से मिलती है, आती है, आदमी को गंभीर बनाती है, प्रसन्न बनाती है, उदासीन बनाती है। भक्ति के बाद भी प्रारब्ध के कारण मिले सुख दुख भोगना तो पड़ता है, लेकिन भक्ति के स्मरण में वो विस्मृत हो जाते हैं। भोगना तो पड़ता है, लेकिन भक्ति का प्रभाव इतना गहन है कि भूल जाते हैं। आप सब्जी काट रहे हैं घर में और सब्जी काटते काटते चाकू आपके अंगुली में लग गई, आपको पीड़ा हो रही है, मलम पट्टी कुछ की है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन आपके हाथ पर कोई तलवार मार दे और बड़ा गहरा घाव लगा दे, 5-6 टांके आ जाएं, तो गत दिन चाकू से जो घाव हुआ था वो दब जाएगा और ये महाव्यथा आपको घेर लेगी। भक्ति है प्रभु के विरह की महाव्यथा, जो संसार के छोटे बड़े प्रारब्धानुसार मिले सुख दुख के घावों को भुला देती। रहते तो हैं प्रारब्ध बशार, लेकिन इस महाव्यथा में ये सब भूले जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। यह है भक्ति का चमत्कार। भक्ति अलौकिक है, भक्ति सर्वकाल में, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ति स्वयं को तारती है, भक्ति समस्त लोक को तारती है। तो जहां भक्ति आई, प्रेम का अंतिम स्वरूप है भक्ति, अंतिम रूप भक्ति है। और जहां भक्ति आई वहां तो गोस्वामी जी से पूछिए क्या होता है, तुलसीदास जी सूत्र, स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति आई, ज्ञान आया, विज्ञान आया, विवेक आया, सब आ जाए। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि उसको किसी के अवलंबन की, आधार की जरूरत नहीं रहे, उनके अधीन हो जाते हैं ज्ञान वैराग सब कुछ। सब गुण खानी बताई है, तो सब गुण खाने में तो आ गया गांभीर्य, धैर्य, शील, सभ्यता, मर्यादा, सब गुण में तो ये सब आ जाएगा ना। तो भक्ति जहां आई वहां सब गुण आ जाए। तो भक्ति के प्रवाह में ठाकुर के अनुशासन को भूलना नहीं है, ठाकुर के अनुशासन को समझना है। भगवान अनुशासन देते, तो कहने का मेरा मतलब है, शिव जी को कहा कि आप सर पर मत रखोइए, कहीं आपकी गंगा में मेरी आज्ञा बह जाए। आजकल ये सूत्र बहुत आवश्यक है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। लोग भक्ति करते हैं, बाद में वो कहते हैं कि हमें कोई अब ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भक्ति यदि आप में आई तो आप शीलवान गुणवान हो जाओगे, सब गुण भक्ति के पीछे आ जाते हैं। तो आप आज्ञा हृदय में रखें। भक्ति का निवास मस्तिष्क नहीं है, हृदय ही उसका निवास है, उसको हृदय में रखें।
शिव जी समझ गए बात, भगवान अंतरहित हुए और उसी समय सप्तऋषि आए। भगवान भोले बाबा ने सप्तऋषि को कहा कि पार्वती पही जाहु तुम प्रेम परीक्षा ले हो। अब पार्वती के पास जाइए और प्रेम की परीक्षा करें कि वो मेरे लिए तप कर रही है, जरा उसकी कसौटी करें। तो सप्तऋषि आए परीक्षक बन के पार्वती के पास। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, कैसी देखी गौरी को, मूर्तिमंत तपस्या मानो बैठी है। आते ही सप्तऋषियों ने कहा का आराध हूं का तुम चह हूं, तू किसकी आराधना कर रही है, क्या चाहती हो हमारे सामने मर्म स्पष्ट करो। इतनी छोटी आयु में उम्र में ये इतना बड़ा कष्ट लिए जा रही हो, शरीर सुखा दिया है, क्या पाना है तुम्हें। पार्वती ने प्रणाम करते हुए आदर देते हुए कहा भगवान मैं क्यों तप करती हूं ये आपको बताऊंगी ना तो आप शायद मेरी हंसी उड़ाओगे, और मेरी हंसी उड़ाओगे तो चिंता नहीं, लेकिन मेरे पिता की हंसी उड़ाओगे और कहोगे कि पर्वत की बेटी आखिर उतने कितनी बुद्धि हो सकती है, पहाड़ की बेटी जो ठहरी। इसलिए छोड़िए बात, बोले नहीं बताओ सत्य मर्म बताओ। तो कहा कि तो सुनो, बहते प्रवाह पानी पर मैं दीवार कोई नहीं बना सकता, बिना पंख उड़ान नहीं भर सकता कोई, लेकिन मैंने तो ऐसा फैसला किया है बहते पानी पर दीवार बना दे, पानी के स्तर पर। ये बनने वाला नहीं, कठिन है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं ये करूं। मतलब निर्विकार, निष्काम, निर्मोह, अनिकेत, उदासीन, ऐसे भगवान शंकर को मैं पति रूप में पाना चाहती हूं, जो स्वयं निर्विकार है, निष्काम है। मैं समझती हूं कठिन है, लेकिन मैं पाना चाहती हूं। सप्तऋषि हंस पड़े, तूने ये उपदेश दिया किसने, ना शिव को पाने का किसने उपदेश दिया, बोले नारद जी ने। तो सप्तऋषि बहुत हंसे, अब ठीक है, नारद जी के जिन जिन लोगों ने उपदेश सुने वो सब घर छोड़कर भिखारी बन गए, बेटी उनका उपदेश मत सुना करो, चित्रकेतु का घर पुला उसने खलास कर डाला, दक्ष के घर गए तो वहां भी यही हाल उसने कहा, कयाधु के पास हिरण्यकश्यप के घर में पहुंच गए तो वहां भी तकलीफ पैदा, उनका आवाज, उनकी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, तुम गलत चली गई। नारद का उपदेश मत सुनो, वो अकेला है, सबको अकेला कर देना चाहते। नारद की सिख जो नर नारी सुनते हैं अवसी भवन तज हो ही भिखारी, वो भिखारी बन जाते। सप्तऋषि कह रहे सहा तो नहीं गया, अपने सदगुरु की आलोचना है, लेकिन महात्माओं के सामने विवेक से बोलना था। कहा महाराज अब क्या कहना चाहते, बोले तुम्हारे लिए हमने एक बहुत सुंदर, शंकर के लिए तू ये तप कर रही, शंकर तो भिक्षा मांग कर खाता है, पहले दक्ष के घर विवाह हुआ था, थोड़ी सी भूल हो गई तो सती का त्याग कर दिया, बेचारी को जल जाना पड़ा, अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाही, सहज एकांकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। अब तो सुख से सोए हैं, भीख मांग कर पेट भरते हैं, उसको एकांकी के घर नारी की क्या जरूरत है, तू जिद लेकर बैठी, तेरे लिए हमने एक बहुत सुंदर वर पसंद किया है, वैकुंठाधिपति, 14 भुवन के मालिक भगवान विष्णु, महादेव तो अवगुण भवन है, विष्णु तो गुण का धाम है, तुम्हारा ब्याह उनसे। मुस्कुरा दिया पार्वती ने कि महाराज अब आगे मत बोलो, आपके मुंह से न्याय हो गया। बोले क्या, कि आप कह रहे हैं विष्णु बहुत गुणवान है, ठीक है, लेकिन विष्णु तो देव है ना। हाँ, बोले मैं जिसको ब्याहना चाहती हूँ महादेव है, महाराज आप ही उसको महादेव बता रहे हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन मेरी बात सुनो, जेहि कर मन रम चाही सा, जिसका मन जहां लगा उसको उसी का ही काम होता है। ये तो आपका तर्क है, आपका चुनाव है, ब्याहना मुझे, मेरी रुचि देखो। अब मेरी बुद्धि में जगह कहां है सप्तऋषि कि मैं गुण दोष का विचार करूं, अब जगह नहीं, कौन गुण दोष का विचार कर, मैंने मेरा जीवन शंभू के लिए मैं हार चुकी हूं। हां, आप कोई ऐसा व्रत लेकर निकले हो कि किसी का ब्याह करवाना ही है तो बरकन्या अनेक जगमाही, बहुत है बरकन्या, आप शादी करवा सकते हैं,
लेकिन हमारे पास कृपया वो मत कर। देखिए भवानी की शरणागति, उसको शरणागति कहते हैं। रामायण में शरणागति की कथाएं तो आती हैं, लेकिन लगता है भवानी की शरणागति बड़ी अद्भुत है। विभीषण की शरणागति हम कहते हैं कथा में, लेकिन विभीषण की शरणागति में शरणागति के सोपान बताए कि साधक कैसे शरणागत हो सकता है, उसके कदम है, एक पूरी सुरक्षित यात्रा है विभीषण की शरणागति। ये करो तो दूसरा हो ही जाएगा, दूसरा करो तो तीसरा हो ही जाएगा, तीसरा करो तो चौथा, एक के बाद एक बनता जाता है, ऐसे एक सुरक्षित सोपान है विभीषण की शरणागति। पार्वती की शरणागति उससे भी ऊंची है, क्योंकि आप किसी गुणवान सज्जन को देखें और उनके वश हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, तो आप इस व्यक्ति के अधीन नहीं हुए हैं, उनके गुण के अधीन हुए। और जब उनमें आपको ये गुण दिखाई देता बंद होगा, तुरंत आप उनसे विदा लो, आप आलोचना करने लगो कि पहले था अब जरा बदल गया, बस तुम्हारा निर्णय कब बदले क्या पता। धनवान की लोग आश्रय करता है तो वो धनवान व्यक्ति का नहीं, उनके धन का आश्रय, उनसे धन हटा लोग हटे। सत्ताधीशों का आश्रय लोग करते हैं लेकिन वो व्यक्ति का नहीं, उनकी सत्ता का आश्रय है, सत्ता से वो गए लोग भी हटे और पूरी दुनिया जानती है। तो गुण का आश्रय उसको पूर्ण शरणागति रामचरितमानस नहीं कह रही। जिसमें आपको गुण दिखाए रहे हैं सीधी उनकी शरणागति, गुण का आश्रय। अवगुण दिखने पर यात्रा में विघ्न कर सकता है, लेकिन हमें प्रभु से ही प्रीत है, प्रभु के गुणों से नहीं। वो बचा, वो निकल गए। विभीषण की शरणागति में थोड़ी कमी इसीलिए, आप शांति से सोचिए कि शरणागति का तो अर्थ है व्यक्ति को निसोच बना देता है, शरणागति का अर्थ है व्यक्ति को निश्चिंत बना देता है, शरणागति का अर्थ है व्यक्ति को निशोक बना देता है, शरणागति का अर्थ है व्यक्ति को निर्भय बना देता है। विभीषण यदि पूर्ण रूपेण शरणागत होता तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। शरणागति में अधीरता कैसी, ये तो शरणागति का कलंक। राम अच्छी बात है, अपने ठाकुर के प्रति लगाव है इसलिए बोला, लेकिन रावण की चकाचौंध देखकर, उनके शस्त्र सरंजाम को देखकर, उसको रथारूढ़ देखकर विभीषण कांप गया, अधीर हो गया और सरकार के पास प्रस्ताव रखने लगा कि कैसे इस हरिपु को जीता जाए। शरणागति तो साधक को निर्भय बनाती है, निशंक निशोक निशोच बना देती है। विभीषण जरा हिला है, यहां हमारी पार्वती जरा भी हिली है, जरा भी। विभीषण का शरणागत भाव सीधा राम से नहीं है, वो स्वयं बोलता है, उनकी भाषा में सुनिए। श्रवण सुजस सुनि आए ओ प्रभु भंजन भवहि, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। आपके यशो को मैं सुनकर आया हूं, आपके यशो के बारे में नहीं सुना होता और यदि भगवान यशवान नहीं होते तो शायद विभीषण जाता भी नहीं जाता, उसके शब्दों से पता लगता है। श्रवण सुजस सुनी आ रहे, पार्वती तो कहती है को गुण दोषण करे विचार, कौन वर्ण विचार करे गुण दोष का। इसलिए बहुत सुंदर बोली पार्वती, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो संभुनतु रहो तुम्हारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो संभुनतु रहो तुम्हारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो संभुनतु रहो तुम्हारी।
कुमारी जन्म तो करोड़ों जन्म धारण करी लेकिन मैंने जो बात पकड़ी है छोड़ूंगी नहीं, चाहे जन्म जन्म कुमारी रह जाऊं। इस निष्ठा और इस पूर्ण शरणागत भाव को देख, हाँ सती रूप में वो शरणागत नहीं थी, विमुख थी, तर्क वितर्क करती है, शंकर की बात नहीं मानती है, दलीलें करती है। अब उसका भाव पूरा बदला है। इस निष्ठा को सुन करके सप्तऋषि जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो, तुम धन्य हो, तुम उत्तीर्ण हो गई परीक्षा से, पास हो। एक काम करना बेटी, क्या तुम्हारे पिता जब बुलाने आए ना तब हट छोड़कर अब घर चली जाना। अब तुम्हें शिव मिले, आशीर्वाद देकर सप्तऋषि गए हिमाचल पास और हिमाचल को सब कथा सुनाई। हिमाचल जाकर बेटी को घर ले आए और पार्वती के प्रेम की कथा जाकर भगवान भोलेनाथ को सप्तऋषि ने जब सुनाई तो इस प्रेम कथा को सुनते शिव को समाधि लग गई। प्रेम तो प्रतिपल समाधि करा देता है ना, प्रेम का ये सामर्थ्य। इसलिए ऊधो की समाधि योग सूत्रों की समाधि है और व्रजांगनाओं की समाधि प्रेम पूर्ण दशा की समाधि। और ये समाधि बड़ी आसान और सरल लगी, इसलिए प्रकांड ज्ञानी उद्धव जब गया तब गोपियों से दीक्षित होकर गया, ब्रजांगनाओं की कंठी गले में डालकर गया। मुझे बहुत, मैंने आगे भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वृंदावन से गोकुल से संदेश देकर श्री उद्धव जी लौटते हैं तो ब्रजांगनाओं की रज में आलिंगन दे, ब्रजरज को सर पर धारण किया। ब्रजरज की बड़ी महिमा। मैं पढ़ रहा था, सिकंदर जब हिंदुस्तान आया तो उसके जीवन में लिखा है, वो अपने गुरु को मिलने, सिकंदर के दो तीन गुरु रहे तो गुरु को मिलने गया। गुरु ने बड़ा महत्व का प्रश्न पूछा, सिकंदर आज अचानक गुरु की याद आ गई, क्या बात है? जवाब भी इतना सुंदर दिया है, बोले आता नहीं, क्षमा करना बाबा, मैं अपराधी हूँ, आपको गुरु तो मानता हूँ लेकिन आता तो नहीं हूँ, लेकिन आज आया हूँ। कारण है क्या? कि गुरुजनों के देश में जा रहा, हिंदुस्तान जा रहा, वो सदगुरुओं का देश है, इसलिए मेरे गुरु की दुआ लेकर जाओ। अच्छा बोला, ठीक है जाओ, गुरुदेव आपके लिए हिंदुस्तान से कुछ ले आऊं। लाओगे? हाँ, तो तीन चीज ले आना। सिकंदर का गुरु बोला है हम हिंदुस्तानी भूलते जा रहे हैं, क्या लाना? बोले हो सके अनुकूलता हो तो श्रीमद् भगवत गीता अंग्रेजी में रूपांतरित हुई हो तो मेरे लिए श्रीमद् भगवत गीता ले आना, सिकंदर का गुरु बोला। और यदि तुम जाओ हिमालय की यात्रा की ओर तो एक दो बोतल में मेरे लिए गंगा जल ले आना। शंकराचार्य कहते हैं गंगा जल लवकणिका पीता, किंचित पीता गंगा जल लव कणिका पीता, भगवत गंगा जल लव कणिका पीता, चक्रु उसकी यमराज चर्चा नहीं कर सकता। देखिए शंकराचार्य महाराज की घोषणा, जो गीता थोड़ी भी पढ़ लेता है और गंगा जल का एक दो बूंद पीता है, यमराज को अधिकार नहीं इस साधक के बारे में चर्चा करे। यमराज को हटा दिया, क्यों? तो
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ माते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ माते। मेरे भाई बहन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की द्वादश शताब्दी चल रही है, इसलिए प्रत्येक घरों में आदि शंकराचार्य के स्तोत्र गुंजने चाहिए। क्या भारत को एक बनाया था इस आचार्य चरण ने, कितनी छोटी आयु में एक व्यवस्था उतरी थी धरातल पर, न कोई साधन थे, न कोई आजकल का विकास था, और दूसरे धर्मों को जहां राज्याश्रय मिल चुका था, राजाओं के बेटे बेटियां भूगोल की सरहद नांग करके धर्म का प्रचार करने के लिए निकल चुके, उसके सामने एक सन्यासी इस देश का 32 साल की उम्र रही होगी, एक युवक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता था, पंचदेव की पूजा करो कहकर धर्म में जो इतने बड़े भेद निकल आए थे उनको एक करने की चेष्टा कर रहा। क्या काम किया आदि जगतगुरु, अद्भुत। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। तो गंगा जल थोड़ा सा भी पी लेता है तो उसकी स्थिति का कौन वर्णन करे। सिकंदर, मेरे लिए गंगा जल ले आना, गंगा जल गंगा जल है, अद्भुत है। मैं अभी एक रामायण मेले के लिए जब गया टोरंटो कनाडा गया एक दिन के लिए, तो जहाँ मैं अगले साल कथा में उतरा था यजमान के घर, उसके पास एक साल डेढ़ साल पहले का गंगा जल जो रहा, पर हम एक दिन के लिए गए तो वही गंगा जल हमारे लिए हो, लेकिन उसको शक हो गया कि ये करीबन 15-16 मास पुराना गंगा जल है, तो प्रयोगशाला में ज़रा जांच करवाए। मुझे उसने जब रिपोर्ट दिखाई हमारी आंख भर आई। हम गए तो कहा कि बापू आपके साथ तो गंगा जल रहता ही है, लेकिन फिर भी आप पहले आए थे 16-17 साल महीने पहले, तो तब का गंगा जल शेष बचा था, तो हमको लगा कि बिगड़ तो नहीं गया, हम तो विदेशी यानी यहाँ रहने वाले तो तर्क किया करते हैं, तो हमने जांच करवाई प्रधान प्रयोगशाला में कनाडा में, तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा था कि इससे अधिक उत्तम पानी विश्व में नहीं हो सकता। 17 मास के बाद ये है हमारी गंगा, ये है मां भागीरथी, हम भारतीयों का परिचय है विश्व में भगवती गंगा। तो गंगा के तट पर गंगा बह रही है, तो एक बार अपने मुंह से भी गंगा को धन्यवाद दें, प्रणाम करें, आशीर्वाद ले। हर हर गंगे भागीरथी, सब गाइए, हर हर गंगे भागीरथी, हर 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 गंगे भागीरथी, हर गंगे जय जय राघव दाशरथी, जय जय सब भाइये, जय जय राघव
गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर जय जय मानस चौपाई गाओ गाओ जय जय मानस चौपाई जय जय मानस चौपाई जय जय तुलसी गोसाई जय जय तुलसी गोसाई जय जय तुलसी हर हर गंगे भागीरथी हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर गंगे जय जय राघव दासरथी जय जय राघव दासरथी जय जय राघव दासरथी बोलिए गंगा मैया श्री गंगा जी है गंगा जल लव कणिका पीता सिकंदर के गुरु ने कहा मेरे लिए गंगा जल ले आना हाँ और तीसरी बात सिकंदर के गुरु ने कहा कि यदि ब्रज भूमि में जाओ तो ब्रज रज मेरे लिए ले आ क्या मूल्य होगा ब्रज रज का उधो जाते हैं तो इस ब्रज में आलिंगन देते हैं ब्रज रज मस्तक पर लगाते हैं आया था ज्ञान लेकर गया आंसू लेकर आया था शब्दों की गठियां बांध करके जाता है तो रोते रोते जाता है गोपियों ने कंठी बांध दी उद्धव को प्रेम की तो नगरी ही ऐसी है वहां जो गया गया बस खत्म संभाल कर जाना अपने आप को बचाना हो तो कदम मत रखना कदम रखते ही गया गया तो उद्धव की समाधि है योग सूत्रों की समाधि ब्रजांगनाओं की समाधि है प्रेम पूर्ण अद्भुत दशा की समाधि शिवजी के सामने सप्तऋषि ने भवानी के प्रेम की चर्चा की और समाधि लग गई यह समाधि की एक दूसरी अवस्था हाँ तो नाक सीधा पकड़ा जाता है तो फिर हाथ घुमा कर क्यों पकड़ते हो भाई प्रेम में डूबने से सहज समाधि हो जाती है तो कौन हाँ सूत्र गलत नहीं है योग के कौन इस श्रम में जाए इस कष्ट में जाए यदि नाक सीधा पकड़ लेते हो इसलिए हम कथाओं में कहते हैं आपकी आंख में भगवान ने यदि अश्रु की व्यवस्था दी है तो भूल से भी ज्ञान मार्ग में मत जाए ज्ञान मार्ग है रेगिस्तान का मार्ग बड़ा कष्ट इस फुलवारी छोड़कर क्यों जाते हो हाँ बुद्ध और महावीर के पास आंसू की व्यवस्था नहीं थी बला जाना पड़ा ज्ञान मार्ग में क्योंकि कोई चारा नहीं था इनके पास उनकी आंख कंगा इनकी आंख निर्धन थी गरीब आंखें थी वहां संपदा नहीं थी जो प्रेमियों के पास हुआ करती है जो सदगुरुओं के पास हुआ करती अश्रु है भक्तों की संपदा
इसलिए सूर मीरा आदि सब यही भाषा में कहते हैं। निस दिन बरसत नैन निस दिन बरसत नैन निस दिन बरसत नैन निस दिन और भक्ति में एक ही ऋतु होती है, भक्ति में ऋतु नहीं बदलती। सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा रहत कायम पावस ऋतु हम पर सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा रहत जब से श्याम सिधार निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत निस दिन बरसत नैन हमारे कबीरा हंसना छोड़ दे तू रोने से कर प्रीत कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत बिनु रोये कित पाइए प्रेम प्यारे मीत। शांडिल्य कहते हैं भक्त तीन बार रोता है, एक जब उसको पता लगे जागृति आ जाए होश आ जाए कि ये संसार जो झूठा है उसमें मैंने इतनी साल गंवा दी, तब वो पहली बार रोता है कि ये मैं कहां मेरे दिन बिता दिए कहां मेरा समय बिता यहां, तब वो रोता है। दूसरी बार रोता है जब प्रभु की थोड़ी झलक मिले पुनः चली जाए, भगवान पूरा पेट भर खाना न दे थोड़ा मुख मुठा कराए और चले जाए, आनंद की झलक मिले लेकिन पूर्ण न मिले भूखा रखे प्रभु, तब भगत दूसरी बार रोता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है और पूर्ण रूपेण भगवान जब उनके हो जाते हैं तब तीसरी बार रोता है और कहते हैं शांडिल्य ने भले ही न कहा हो लेकिन चैतन्य को पूछो तो कहेगा कि तीसरी बार रोने के बाद वो कायम रोता ही है, क्योंकि तीसरी बार रोता है इसलिए विनय पत्रिका के पद के अनुसार हरि तुम बहुत अनुग्रह की माला माल कर दिया तूने ठाकुर गोद ले लिया तूने हमको हरि तुम बहुत अनुग्रह की हरि तुम बहुत
साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम विबुध दुर्लभ साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हम ही कृपा कर दीनो बहुत ये हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो सदा रहत बावस ऋतुहन पर सदा रहत जब से शाम सिधारे निश दिन बरसत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे भाव से भीतर से हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna ब्रज का भाव बड़ा अनूठा है अनूठा है। हम वृंदावन में कथा कह रहे थे तो एक ब्रजवासी ने हमको कहा कि बापू अभी भी ब्रज भूमि में कई गांव ऐसे हैं जहां गायों के दूध जमाने के बाद मक्खन निकालने के बाद मक्खन पात्र में खुला रखा जाता है, उसको ढांकते नहीं हैं और आंगन में रखते हैं। कोई पूछे कि उस पर रज गिरेगी, कोई जूठा कर देगा, कोई बिगाड़ देगा, पक्षी बिगाड़ देगा, तो ब्रजवासी कहते हैं हमारे कृष्ण का क्या ठिकाना कब आ जाए, और हम छिपा कर रखे और उनको कष्ट पड़े, ऐसा हम नहीं करना चाहते। उसका कोई निश्चित नहीं कि वो कब, ऐसे वो लड़ाकू तो रहा ही है पहले से, तो कब आए। इसलिए तो ब्रजवासी आज भी गाते हैं
मक्खन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो भी मक्खन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो मक्खन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो भी बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को घर घर चर्चा हो तो ब्रजवासियों का भाव बड़ा अनूठा। ब्रजवासी कितना भी धनी होगा तो भी बात करेगा तो कहेगा हम गरीब ब्रजवासी हैं, क्योंकि जब से हमारा कन्हैया गया तब से ब्रज निर्धन हुआ। ठीक ही तो कहते कृष्ण गया बाद में क्या रहा। बड़ी अच्छी भाषा है ब्रज की। आठ ही सिद्धि नवो निधि को सुख एक नंद की धैनु चराई बिसारो। यदि भगवान तू वृक्ष बनाना चाहे तो यमुना के तट पर कहीं हमको वृक्ष बना देना कि कभी कृष्ण आकर बांसुरी बजा दे। यदि तू हमको पंखी बना तो ब्रज का पक्षी बनाना, कवि लोग भक्त लोग यही चाह करते। ब्रज ब्रज तो उधो ब्रज से प्रेम की दीक्षा लेकर लौटता है। बड़ी अद्भुत कथा है। हम कभी कभी कथा में कहते हैं उधो जब आए और एक दिन रात को यशोदा जी को पूछते हैं उधो कि माँ हाँ कृष्ण की कोई एक बात मुझे सुना। 11 साल तेरे पास रहा है ना, कोई बात सुना। उधो कौन कौन बात याद करो। हम संसारी लोग अब सोचते हैं कि हमने अवसर गंवा दिया। स्वभाव था ना लड़ाकू उधो, संसारी स्वभाव है उधो। एक दिन बहुत उसका तूफान बढ़ गया। सुना रही है माँ, सुन रहा है उधो, एक देहाती महिला सुना रही है, सुन रहा है पंडित। क्या हुआ उधो? अब तो सोचती हूं तो भी बहुत दुख होता है। क्या हुआ? एक दिन बहुत तूफान किया ना, मैंने उसको पकड़ करके रस्सी लेकर बांध दिया और तो भी मैं नहीं समझी कि जितनी रस्सियां जोड़ती थी कम पड़ती थी, तो भी नहीं समझी कि ये कौन है। और आप जानते हैं कथा, पूरे वृंदावन की रस्सियां आ गई लेकिन कृष्ण पूर्ण रूप ने बंधा नहीं गया। तब बरसाना से रस्सी मंगाई गई और बरसाने में भी श्री राधा जी के घर से रस्सी आई, श्री राधे जू ने दी तभी बंधा। भक्ति के बिना उसको कौन बांध सकता? राधे जू के घर की रस्सी उसको बांधती तब बंधा। उधो मैंने उसको बांध दिया कस के, फिर क्या हुआ? महाराज ने मुझे बहुत डांटा, यशोदा ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर बालक। और मां का रोष कितना टिकता है, कितना टिकता है, उतर गया रोष। लेकिन
जब छोड़ा कृष्ण को, संध्या हुई, उधो सुन रहे, उधो में फुसलाने लगी, गोपाल बेटा ऐसा नहीं करते, चलो हो गया चलो, तुम्हारे लिए मैंने ये बनाया। माँ की दशा बहुत अकथनीय होती है जब बेटे को मारती है, उसके बाद जो बेटे को फुसलाना होता है माँ के लिए, वो तो माँ ही समझ सकती है, बानी में ढालना मुश्किल है। चलो भाई, और उधो मैंने पहली बार उनके मुख से सुना, उसने उदास होकर कहा, मां आज मैं नहीं खाऊंगा। घर में किसी ने नहीं खाया उधो, बना भोजन रह गया ऐसे। और उधो प्रेम तो एक भाषा ऐसी है, वो पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। कृष्ण की गायों को खबर मिली तो गायों ने संध्या का घास नहीं खाया। आज हमारे कृष्ण को दंड मिला, किसी ने नहीं खाया। बाद में उधो जब उसको सुलाया हमने, नित्य क्रम था, मैं उसके सर पर बाल में अंगुलियां घुमाती, पीठ पर हाथ घुमाती, तब वो सोता था ना मेरे पालों में सर छिपा करके। लेकिन ये रात को ऐसा हुआ उधो, जब मैं उसकी पीठ पर हाथ घुमाने गई ना तो वो झिझक जाता था। मां धीरे, मैं पूछने लगी क्या हुआ, बोले तुमने दाम से मुझे बांधा ना तो कमर पर उसके निशान लग गए, लाल लाल चमड़ी उठ गई है, मुझे पीड़ा होती है। उधो बाद में मैं बहुत रोई उधो, शायद यही अपराध का हमको दंड मिल रहा उधो, हमारा हमको छोड़कर चला गया। एक काम करो उधो, एक काम करो, क्या एक बार कला जैसे किसी से काम करवाना हो तो लालच देते हैं ना लोग कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप इतना करो, तो कहा मिला दो शाम से उधो तो हम क्या करेंगे, तेरा गुण हम भी गाएं, मिला तेरी कथा कहेंगे, हम तेरे गुणगान गाएंगे, कृष्ण कथा छोड़ देंगे। मिला दो शाम से यदि फिर आए गोकुल में तो हमें दर्शन दिला देना, यदि आ गया दर्शन दिला देना, गई फिर आए
उद्धव ने पूछा कि मानो आ गया तो आप क्या करोगी? ब्रजवासी कहते हैं तो हम इतना करेंगे करेंगे क्या? चरण में शीश रख रख के हम उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। चरण मिला दो शाम से उधो तेरा गुण दिखाए। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण दिखाए। गृहे गृहे गोपवधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर। तो ब्रज का भाव बड़ा अनूठा है। हम चर्चा ये कर रहे थे कि उधो लौटते हैं तो ब्रज के पक्षधर बन के गए, ब्रजांगनाओं के पक्ष में गए हैं। और जाकर एक बहुत मधुर बात कहता है उद्धव श्री कृष्ण को। जब गोविंद पूछने लगा सब कैसे हैं ब्रज में, माँ कैसी है, बाबा जी कैसे हैं, सब कैसे हैं, पहले तो बहुत रोष से बोलते हैं, लेकिन एक बात बहुत सुंदर करते हैं कि तुम्हारे विरह में सबके शरीर सूख गए, मां दुबली हो गई। फिर पूरी ब्रज में पूरे वृंदावन में सब कृशगात हो गए, लेकिन यमुना में पानी बढ़ा है। बोले मेरे विरह में यमुना नहीं सूखी? बोले नहीं, वो कूल के ऊपर बह रहे। बोले कमाल है, कैसे? बोले इसीलिए कि भोले ब्रजवासी यमुना के तट पर जाकर रोते हैं, उनके आंसू का बढ़ाव, उनके आंसू यमुना में मिलते जाते हैं और वो पुष्ट होती जा रही। चर्चा थी मेरे भाई बहन उद्धव की समाधि योग सूत्रों की समाधि थी, ब्रजांगनाओं की समाधि प्रेम पूर्ण अवस्था की समाधि थी। शिवजी ने सप्तऋषियों से जब सुना पार्वती के प्रेम की बातें तो समाधि लग गई शिव को। अब हुआ ऐसा कि शिव समाधिस्थ और भवानी पिता के घर कुमारी, और समाज में एक तारकासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ और इस तारकासुर ने पूरे समाज को बड़ा कष्ट दिया। समाज की श्रद्धा कुमारी हो, समाज का विश्वास चुप हो जाए, आंख बंद कर ले, तब समाज में तारकासुरों को मौका मिल जाता है समाज को भ्रष्ट करने का। इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि श्रद्धा और विश्वास का विवाह अनिवार्य है, तभी तारकासुर मरेगा। तो गोसाई जी वर्णन करते हैं तारकासुर ने बहुत समाज को त्रास दिया। तो देवता लोग परेशान होकर ब्रह्मा के पास कहते हैं दनुज निधन कैसे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है, शंभु शुक्र संभूत सूत। शंभु का पुत्र ही इस तारकासुर को मार सकता है, जीत सकता है। देवताओं ने कहा शिव जी तो समाधि में हैं,
ब्रह्मा ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन आप कामदेव को भेजकर उनकी समाधि में विघ्न करो, समाधि तोड़ दो, तो मैं कैसे भी ब्याह करवा दूंगा। तोड़ो तुम, जोड़ू मैं। ब्रह्मा ने देवताओं को काम सौंपा और देवता लोग स्वकार्य कुशल है, भागवत के शब्दों में बड़े चतुर है अपने कार्यों में। तो सभी देवता लोगों ने कामदेव की स्तुति की। कामदेव प्रकट होता है, कामदेव को धरातल पर देवताओं ने सदेह भेजा कि शिव समाधि में विघ्न करो। कामदेव आया, कुपित कामदेव ने जब धरामंडल पर पैर रखा और गोस्वामी जी ने कहा कि पूरे समाज की व्यवस्था बदल डाली इस आदमी ने, पूरी धरातल पर वातावरण कोई बिलग हो उठा। सरिताएं काम के प्रभाव से दौड़ती दौड़ती सागर संगम के लिए त्वरित गति से दौड़ने लगी। लताएं वृक्ष को आलिंगन देने लगी, शाखा पर शाखा अपने आप को घिसने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं एक दूसरे संघर्ष में आने लगे, तालाब तालाबी संगम जंखने लगे, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर जीव मात्र कामुक हो गए। क्षण मह मिटे उस सकल श्रुति सेतु, गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति सेतु क्षण मात्र में टूट गए। जहां देखो वहां काम वैभव काम विलास पूरे संसार को घिर लेता। बाबा जी कहते हैं योगी नहीं, योगियों में जो पूजे जाते थे और जिसको योगीश लोग कहते हैं वो भी काम के अधीन हो, बड़े बड़े तपस्वी काम के अधीन हो गए। पामर की कौन गिनती करे, गोस्वामी जी कहते हैं जहां बड़े बड़े योगी लोग भी काम के अधीन, काम के प्रभाव में कोई नहीं बचा। बाबा जी के शब्दों में काम बस जोगीश तापस पामरन की को देखा चरा चर नारी मई जय ब्रह्म मई देख अबला बिलो कई पुरुष मई जग पुरुष तब अबला मई दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतु अयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतु अयम भय काम बस जोगी सतापस पावरन की तो कहे देखई चराचर नारी मई जे अबला बिलो कही पुरुष मई जग पुरुष सब अबला मई दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतु अयम जी काम कृत कौतु जी काम कृत कौतु। बड़े बड़े योगीश और तपस्वी काम के अधीन हो गए, छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जर्रे में भी जिसको परमात्मा दिखाई देता था, पूरी सृष्टि में जो ब्रह्म ही देखते थे वो पूरी सृष्टि को नारीमय देखने लगा। क्या प्राबल्य है काम का, देख ही चराचर नारीमय ये ब्रह्ममय देखत रहे। और संसार का अबला समाज नारी समाज अबला बिलोक ही पुरुषमय जग, पूरा जगत अबलाओं को पुरुषमय दिखाई देने लगा और सभी पुरुषों को संसार अबलामय दिखाई देने लगा और अबलाओं को पूरा संसार पुरुषमय दिखाई देने। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, ब्रह्मांड के भीतर दुई दंड के लिए ऐसा काम ने अपना काबू कर लिया। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा धरी न काहु धीर, सबके मन मनसीज हरे, कोई धैर्य नहीं रख पाया, सबके मन को कामदेव ने ग्रस लिया हर लिया। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं सौरठे को आधा लिखने के बाद गोस्वामी जी को जरा विचार आ गया कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सी झरे, लिख तो दिया और गोस्वामी जी का नियम था जो लिख दे उसको वो मिटाते नहीं थे, लिख दिया बस। ये तो प्रासादिक वाणी है ना, जो हर गौरी पसाओ, जो शंकर की, जैसे देहात में लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना तो कोई दस्तावेज में या कोई कागजात में साइन करवानी हो तो कोरे पन्ने पर करवा लेते हैं कि आप साइन कर दो ऊपर काम लिख लेंगे। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो कागज के नीचे सही कर दी रामचरितमानस कवि तुलसी, जय श्री राम, इतनी साइन की है उसने रामचरितमानस कवि तुलसी साइन, आगे ऊपर का सब खुला रखा कोरा रखा। शंकर भगवान ने पूछा क्यों, बोले ऊपर तुम लिख दो, मैं तो देहाती हूँ गवार हूँ, मैं क्या जानू गिरा ग्राम में सी राम जस,
मैं तो नीचे सही कर देता हूँ और ऊपर आप सब, तो ऊपर सब शिव जी ने ही लिखा, इसलिए तो कहते हैं कभी न हो नहीं चतुर कहो सत्य कहो, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, अन सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर साइन है इसके। प्रसाद है, प्रयास नहीं है, प्रयास में तो थक जाओगे, प्रयास में थक जाना, प्रसाद जब होता आप एक घंटे बोले, आधे घंटे बोले, हम भी कोशिश करें प्रयास करेंगे बोलने तो थक जाए, लेकिन जब प्रसाद उतरता है तब थकावट दूर हो जाती है जन्म जन्म की। प्रसाद की भूमिका विलग है, प्रसाद है सर्व दुखानाम हानि रस्योप जायते, प्रसाद प्रसाद मानस प्रसाद है, प्रसाद है। तो कहने का मेरा मतलब तुलसीदास जी ने साइन कर दी है बस। तो ऊपर तो भगवान लिखते हैं, माध्यम गोस्वामी जी बन रहे हैं, कलम उसकी चली, लेकिन कला तो कोई कलाधर की है उनके पीछे, सकल कला गुण धाम प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निथि प्रणत कल्प तरुणाम, उसी का धक्का लग रहा था गोस्वामी जी, तो लिख दिया ऊपर दरीन काहुदीर सबके मन मन सीज हरे, लेकिन कलम रुकी कि सबके मन को हर लिया, कोई नहीं बचा, कोई ऐसा कोई प्रभु का कृपा पात्र नहीं कि जिसको काम कुछ न कर पाया हो, ये तो मैंने तो सबको डुबो दिया। तुलसीदास जी बहुत बचाव कर लेते हैं, बहुत प्यारा बचाव कर लेते हैं। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़े सकल समाज, धनुष यज्ञ की कथा माध्यम सबको डुबो दे, लेकिन तुरंत सुधार कर लिया, प्रथम चढ़े जे मोह बस, जो पहले जो मोह के अधीन होकर कभी इनकी चर्चा करेंगे, बड़ा मधुर प्रसंग है, डूबे सकल समाज प्रथम चढ़े जे मोह बस, लिख तो दिया शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। क्यों हमारे ठाकुर को उपमा देते हैं तुलसी जी, उपमा तो कोई मानसकार से सीखे भाई, उपमा तो इनसे कोई सीखे। सागर रघुवर बाहुबल, रघुवीर के बाहु हैं वो सागर है, और समुद्र में जहाज डूबा कौन सा, शंकर चाप जहाज, शंकर का धनुष जहाज है, और जैसे टूटा तो राघव के बाहुबल में ही शंकर का जहाज टूटकर डूब गया। तो उसमें कौन कौन चढ़े थे, जो प्रथम चढ़े, जो बहुत बकबक करते थे आगे, वो सब डूब कर खत्म हो, जो पहले मंद महीपन कर अभिमानू, जो आगे सब प्रकरण आता है वो सब को डूबो दे। यहाँ सबके मन मन सीज हरे, सबके मन को हर लिया कामदेव ने, कोई नहीं बचा कृपा पात्र, तो सुधार आ गया। कहते हैं कोई दिव्य शक्ति ने सुधार किया है, कोई कहते हैं हनुमान जी ने सुधार किया है, कोई कहते हैं शिव, हमको कोई शंका नहीं, हो सकता है क्या होगा हनुमान जी ने किया होगा, शिव जी ने किसी शक्ति ने सुधार कर लिया होगा, इसमें कोई शंका, राम कृपा क्या नहीं कर सकते। सुदर्शन सिंह चक्र की मैं वो कहानी पढ़ रहा था, सुदर्शन जी की, उसने लिखा है एक कुलू मनाली जो है व्यास नदी के तट की कथा लिखी है, बनी घटना लिखी, वहां का राजा था, राम प्रेमी था, कुष्ठ रोग हुआ राजा को, और इतना धार्मिक था कि पत्नी को भी छूने नहीं देता था कि मेरा कुष्ठ रोग तुम्हें लग जाएगा, पत्नी आदेश से दूर रोकर खड़ी रहती, किसी की सेवा नहीं लेता, बड़ा राजा था, बनी घटना। तो लिखा है कि इस राजा ने सोचा कि मैं नगर में न रहूं, मेरा कुष्ठ रोग फैल जाएगा, तो मणिग्राम ऐसा कुछ स्थान लिखा है कहीं इधर उधर, उस जा वहाँ हो गए, पहाड़ी मुलक है ऐसा लिखा है, तो वहाँ नदी बहती है, और वहाँ वो उष्ण जल बहता है, तो कहते हैं कि वहाँ रहने से चमड़ी का दर्द उस काल में ऐसा होता होगा, तो वो वहाँ एक उसके लिए डेरा तंबू डाल दिया गया, 5-6 सेवक लोग, और वहां वो रहने लगा। एक दिन अचानक
इस राजा ने कहा डेरा तंबू उठाओ चलो घर। सेवकों के मन में बात नहीं बैठी कि ये क्या बात है, बोले नहीं चलो घर। घर गए, प्रजा तो बहुत राजी हो गई कि भले ही रोगी रहा लेकिन हमारा अन्नदाता हमारे बीच में रहे। बड़ा प्रजापालक था, राम भक्त था। कहते हैं उपरोहित आए, राज पुरोहित का बड़ा उसका प्राबल्य था। राज पुरोहित ने पूछा सम्राट को कि क्या बात, बोले मुझे प्रेरणा हुई है सुबह की नींद में। क्या? अयोध्या से प्रभु ने कहा है मुझे यहां से तुम वहां ले जाओ और मेरा अभिषेक करके वो जल तुम्हारे शरीर पर लगा दिया जाए, तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाए। बनी घटना इस देश की लिखी और बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखी। राज पुरोहित ने यह सुना, उसी ऐसी जगह पर ऐसी मूर्ति है श्री ठाकुर और श्री किशोरी जी की, वो लिया। मैं तेरे भगवान ने मुझे कहा मैं पहाड़ी मुलक में आना चाहता हूं क्योंकि यहां मेरा सखा रहता है शंकर। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, मैं मेरे सखे को मिलना चाहता हूं, ऐसा उसको निंद में आया ऐसा लिखा। तो उपरोहित समझ गए तो जाते हैं अयोध्या, वही जगह वही मूर्ति देखी, पक्का हो गया यकीन। लेकिन राज पुरोहित बड़े सयाने थे, यहां के ठाकुर को वहां ले जाओ और ये ठाकुर की क्या मर्यादा है क्या नियम है कैसे कैसे पूजन अर्च, एक साल तक राज पुरोहित वहां रहे ताकि उसकी सब नियमावली जान ले कि वहां आए इस ठाकुर को कोई कसर न रह जाए। पूरी नेक भोग अर्चन पूजन कब दर्शन कब शयन कब क्या पूरा जान लिया। और उसके बाद कहते हैं कि ठाकुर को लेकर ये पहाड़ी मुल्क वाले निकले हैं अपने प्रदेश की ओर, तो पूरी अयोध्या पीछे पड़ी है। एक बार तो हमारे प्रभु ने वनवास भोग लिया, अब कहां ले जा रहे हो तुम, पकड़े लोगों को, हम हमारे ठाकुर नहीं देंगे। बड़ा हल्ला हो गया। राज पुरोहित ने कहा कि देखो भाई ये हमारा कोई अपहरण नहीं है, ये प्रभु प्रेरणा है, ठाकुर स्वयं आना चाहते हैं और आप हमको मारोगे तो भी, अवध के लोग मारेंगे तो भी उनको हम प्रसाद समझेंगे क्योंकि आखिर तुम अवध के हो। बहुत समझाया बुझाया, लोगों को लगा कि ठीक है प्रभु की इच्छा ही है तो छोड़ो। लेकिन कहते इस ठाकुर के जो पुजारी परंपरा के पुजारी थे उनका परिवार पीछे नहीं हटा, वो पीछे पीछे गया ही गया, हम अपने ठाकुर को नहीं दे। वो पहाड़ी मुल्क में, और कहते कुल्लू में लिखा है ऐसा कि आज भी वो राम मंदिर है जहां अवध के ठाकुर विराजे, और उसमें तो ऐसा लिखा है कि वहां वही पुजारी के वंशज आज तक पूजा करते थे, उसके परिवार के लोग ही पूजा किया करते। ठाकुर आए अभिषेक किया, अभिषेक का जल केसर मिश्रित राज पुरोहित ने राजा के पास जाकर कहा इस जल से स्नान कर लो। नहीं, आहा, मेरे ठाकुर के शरीर का जल मेरे पैरों को छुए ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जन्म जन्म कुष्ठ रोगी रहना चाहता, ऐसा पावन जल नहीं, मुझे कुष्ठ रोगी रहने था। बोले बहुत समझाया राज पुरोहित ने, राजा बोले नहीं, नहीं। मेरे परमात्मा है मेरे प्राण है, अवध छोड़कर पहाड़ में आ गए, मैं ये हिम्मत नहीं करता, मैं भले कुष्ठ रोगी रहूं बस आ गए पर्याप्त, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हो गए हद कर दी प्रभु, जोली भर दी तूने, अब फट जाएगी जोली, भर दी तूने। नहीं माना राजा, नहीं माना। राज पुरोहित ने तर्क रखा कि गंगा जल भगवान के चरणों से ही निकला है फिर भी लोग उनसे स्नान करते हैं तो क्या पैर नहीं लगता गंगा को। बोले बाबा मैं आपसे तर्क में नहीं जीतूंगा, मैं हार्दिक बात करता हूं आप बौद्धिक बात करते, इसमें तो विवाद हो जाएगा और आप मेरे राज पुरोहित हैं, और ध्यान देना विवाद में कभी कोई नहीं जीता, दोनों ही वस्तुतः हार जाते,
जहां भी विवाद, हाँ एक पार्टी जीतती है तो लगता है उसको कि मैं जीता, लेकिन उनके अंतःकरण में झांका जाए तो विवाद में दोनों हारते हैं और संवाद में दोनों जीतते हैं। कभी हारता नहीं, मैं विवाद करना नहीं चाहता। ठीक है, घड़ों में पात्रों में अभिषेक का ठाकुर का जल था, वो वापस लिए जा रहा है, लेकिन राज उपरोहित को करुणा आई तो बोले ये तो नहीं, तो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर राजा को आशीर्वाद के रूप में ऐसे मार्जन किया है, आशीर्वाद दिया है, और एक लोटों में लोटे में पीने के लिए थोड़ा रखकर राज पुरोहित ऐसी लिखा है कि जा रहे हैं और राजा दौड़ा है। बाबा क्या है, आप मेरे सामने देखिए क्या है, बुद्धि काम नहीं करती, कबूल करना मुश्किल है। और पुरोहित मुड़कर देखते हैं तो राजा का काया कंचन वर्णी हो चुकी, श्री ठाकुर जी के श्रीअंग के अभिषेक के जल के सीकर केवल जल बिंदु इन पर गिरे तो काया हो गई कंचन की, गिर पड़े चरणों में, गिर पड़े, ढल पड़े, लगेगा चमत्कार, बुद्धि से पकड़ना मुश्किल है, लेकिन ध्यान देना यहां सब चीज बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती, कहीं तो हृदय लगाओ, कोई जगह तो ऐसी रखो कि वहां बुद्धि का उपयोग हम न करें। और हमारे दिमाग में बात नहीं उतरेगी इसका मतलब ये नहीं कि ये घटना नहीं घट सकती, अवश्य घट सकती है, क्यों ना घटे, घट सकती। तो कोई शक्ति आकर काम कर जाए इसमें कोई संदेह नहीं, निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा। तो गोस्वामी जी के शास्त्र में शिव जी आकर हनुमान जी आकर सुधार कर दे तो कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, हो सकता। तो तुलसी जी ने लिखा, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सीज हरे, सबके मन को मन सीज ने हर लिया, तो नीचे सुधार कर दिया तुलसी जी की, ऊपर की बात मिटी नहीं, रह गई सुरक्षित, और नीचे सुधार भी हो गया कि जेहि राखे रघुबीर सौ बरे तेहि काल मा, जिसको रघुनाथ जी ने बचाया था इतने लोग उसी काल में भी बच गए थे। बाकी गोस्वामी जी आपने कहा सो ठीक कहा, बाकी जितने को नट सेवक ही न व्याप ही माया, नट का जो मरकट, नट का जो सेवक होता है ना, वो सबको छल सकता है, सबकी आंख में वो कर सकता है, लेकिन नट का जो सेवक होता है उसको माया काम नहीं कर सकती। नट कृत विकट कपट खगर आया, नट सेवक ही ना व्याप ही माया, नट के सेवक को तो जो उनके हो जाते हैं, जेहि राखे रघुवीर, इनको वो बचा लेते हैं, और जिसको ठाकुर बचाए वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करें, सिम की चाप सके को तासू, अने बड़ रखवाल रमापति जासू, उसको कौन कुछ कर सकता है। तो जिसने, जिसको परमात्मा ने बचा लिया वो उस समय में भी बच गए थे, बाकी सब काम में डूबे। कामदेव आया भगवान शिव के पास, अपनी कला का विस्तार किया, नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगी, गंधर्व किन्नर गान ताल करने लगे, और शंकर की समाधि तोड़वाने के लिए पूरी चेष्टा कामने की, लेकिन चली न अचल समाधि, शिव कोपे हृदय निकेत, समाधि हिली नहीं तो कुपित हो गए। और कामदेव ने अपना धनुष बाण ले लिया, वृक्ष के पल्लव में छिप करके भगवान शंकर पर वो प्रहार करता है, और भगवान शिव जी की समाधि में विघ्न हुआ, विक्षेप, और शिव जी ने अपनी शांभवी आंखें खोली, चारों ओर देखा कि कौन है मेरी समाधि में विघ्न करने वाला, और देखते ही गोस्वामी जी लिखते हैं, जब पल्लव की घटा में कामदेव को देखा और भगवान ने तीसरी आंख खोल करके उनके सामने दृष्टि की, और करते ही गोस्वामी जी कहते, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देखि काम कंपे त्रैलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका,
तीनों लोग कांपने लगे जब भगवान शंकर ने देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देख काम कंपे त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देख काम कंपे त्रैलोका। कड़क धरणी कड़डंग हड़डंग, मुखनाद ब्रह्मांड हले। पूरा ब्रह्मांड में बात फैल गई, भगवान शंकर शायद संसार का लय कर देंगे। कड़के धरणी कड़डंग कड़डंग हड़डंग, मुखनाद ब्रह्मांड हले। धटके नख धोम धमाकट, ताकत धिकट मेर धड़े। चौथाट दुदुवट दो वट दो कट, फट फरंगट फेर फरे। परमेश्वर मोद भरी, पशुपालन काम प्रजालन। नाच करे जीव काम प्रजालन, नाच करे जीव काम प्रजालन, नाच करे जीव काम प्रजालन। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, क्या तो हाहाकार भय जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, हाहाकार भय जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखार। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय मंडक साधक जोगी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। भय कंटक साधक जोगी, भय कंटक साधक जोगी। कामदेव को देखा और तीसरे नयन चेष्टा नहीं की शिव ने, केवल तीसरी आंख खोलकर काम के सामने देखा चितवा, और देखते ही काम जलकर भस्म हुआ। संतों ने बताया कि भगवान शंकर ने तीसरी आंख से काम को क्यों जलाया। काम का स्थान तीसरा है चतुर पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीसरे स्थान में रहे काम को शिव बताना चाहते हैं, तीसरी दृष्टि ही मिटा सकती है। इन दो आंखों से तो काम भड़कता है किसी का रूप देखकर, इन दो आंखों से काम बहकता है। एक एक तीसरी तटस्थ दृष्टि पैदा होनी चाहिए जो सभी में होती है, लेकिन खोल पाए वो शिव, नहीं खोल पाए वो जीव। सब में होती। एक संत ने कहा आंख से जलाया क्यों, काम का प्रवेश आंख से होता है, रूप देखा और काम भड़का। तो दुश्मन जहां से प्रवेश करे और भीतर जाए, इसके पूर्व दुश्मन को द्वार में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि अंदर कब्जा न करे। इसलिए द्वार पर मारने की चेष्टा। कामदेव को इसलिए आंख से मिटाया। तीसरे नेत्र का कारण यह है, अर्थ बताते हैं महात्मा लोग। और काम जला, हाहाकार मच गया, हाहाकार हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं योगी लोग उत्सव मनाने लगे कि अच्छा हुआ हमारे मार्ग का कंटक चला गया, क्योंकि साधना में अंत में वही तो विक्षेप करता था। और भोगी सोचने लगे कि अब जीवन में रस जैसा कुछ नहीं रहा। और योगी और भोगी की मनोभावना बाबा जी ने देखकर समझकर जानकर मानस में रख दी। योगी अकंटक भय उपति गति सुनत गति मूर्छित भई। योगी गति गति माओ भांति करुणा करत शंकर कहि गई। अर के न करि जोरी कर तन न सुरई। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरख बोले सई। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरख बोले सई। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरख बोले सई। योगी अकंटक भय उपति गति सुनत गति मूर्छित भई। योगी गति माओ भांति करुणा करत शंकर कहि गई। सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। अबला निरख बोले सही। अबला योगी निष्कंटक भोगी दुखी हो गए। कामदेव की पत्नी रति आक्रंद करती हुई, विलाप करती हुई शिव के पास आई।
भगवान शंकर ने रति के आक्रंद को सुना, दुखित रति को देखा, आशुतोष महादेव प्रसन्न हो गए, कृपा बरसाने लगे, क्रोध कहां गया पता नहीं लगा। अभी तो इतने क्रोधी दिखाई देते थे कि पूरे संसार को समाप्त कर देंगे, लेकिन रति के आंसू को देखते ही प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी भोले सिव। प्रसन्न हुए भगवान शिव जी रति को रोते देखकर। शिवजी वैसे तो प्रलय के देव हैं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई शास्त्रकार ने उसको क्रोध के अवतार नहीं बताया। जब भी कहा तो कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार करुणा के अवतार बताए हैं। करुणा मूर्ति है शिव जी, तो क्रोध करते भी हैं और क्रोध को विदा भी दे सकते हैं। हमारी तकलीफ क्या है, हम क्रोध करते हैं, शिव जी का क्रोध नौकर बनकर आता है, हमारा क्रोध मालिक बनकर आता है, इतना अंतर। जब जरूरत पड़ी तो क्रोध किया भी, हमारे लखन भैया भी क्रोध करते हैं लेकिन भविष्य के लिए। सोचा जनक की सभा में कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो भगवान खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे तो धनुष नहीं टूटेगा, ये सब माँ, इसलिए भविष्य का आयोजन करके क्रोध करते। तो क्रोध अच्छी बात तो नहीं है मेरे भाई, उसको नरक का द्वार कहा, नरक का पंथ कहा है, लेकिन फिर भी जब आता है तो जरा शिव जी से सीखें कि जब जरूरत हो तब ठीक है, बाकी जैसे नौकर से हम पानी मंगवाए कि पानी ले आओ और पानी पीने के बाद कहे कि बस चले जाओ तो जैसे नौकर चला जाता, वैसे क्रोध को जरूरत हो तब लाओ। अच्छा तो नहीं, निकल जाए तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन नहीं निकलता तो कम से कम इतना मोड़ दिया जाए तो भी अच्छा, तो बात अच्छी। लोग एक एक बात पूरे संसार में आप देख सकते हैं कि मैं लोभी हूं, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं, जाहिर नहीं करेंगे कि हम लोभी, और मैं कामी हूं ऐसा तो कोई नहीं कहेंगे बिना संत, लेकिन मैं क्रोधी हूं वो सब कहते हैं। कहीं भी जाओ हमको बहुत क्रोध आता है, हमको बहुत सब, हमारे पास कई लोग आते बस ये बात कहते हैं क्रोध है, लोभ है, ऐसा कोई कोई कहता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन काम ही तो कोई कहता है नहीं, वो तो साधु पुरुष कहते हैं। कौन कुटिल फल पार मोसम, कौन कुटिल फल पार मोसम, कौन कुटिल फल पार
तो क्रोध की जाहिरात सब करते हैं। सब लोगों का ये सवाल कि क्रोध को कैसे काबू में ले। हम तो कहा करते हैं कि जिसको बहुत क्रोध आता हो वो थोड़ा मौन रखा करे, मौन रहे, मौन से क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। बोल बोल ना कर, मौन रहे। सप्ताह में एक बार, पक्ष में एक बार, महीने में जितना जितना समय मिले मौन रखो। यहाँ बहुत बोलने जैसा नहीं, क्या बोलना है, जरूरत हो इतना बोलो, ज्यादा क्या बोलो? शब्द को बचाओ। हमारे भारतीय वांग्मय में शब्द की बड़ी इज्जत की जाती है। एक मात्रा ह्रस्व दीर्घ भी बच जाता कविता में, एक मात्रा या तो अक्षर बच जाता तो कवि लोग उत्सव मनाते कि हमको एक शब्द बच गया और कविता बन गई। इतना शब्द के प्रति आदर है, इतना आदर है शब्द के प्रति। कम बोले बस, बहुत बोलने से। रामचरितमानस में लिखा है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। और दूसरी जगह भी पाया गया है, अरण्यकांड में आता है, क्रोध को परुष वचन बल, मुनि बर कहत बिचारी, लोभ को इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी। क्रोध को परुष वचन बल, कभी बोलने में परुष वचन कर्कश बानी निकल जाती है तो सामने वालों को क्रोध हो जाता है, उनको आएगा तो पुनः तुमको आ जाएगा और बात बिगड़ती है। तो मौन रहे, मौन में बहुत फायदा। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम जैसा बेटा इतना प्रकांड बुद्धिमान, तो तुम्हारा बाप कितना महान, और हम आपके पिता का नागरिक अभिनंदन करना चाहते। बीरबल ने कहा, वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, भगवान नाम लिया करते हैं, क्यों इस झंझट में उसको। बोले नहीं नहीं, ये हमारे राज्य की इज्जत का सवाल है कि इतना प्रकांड मूर्धन्य बुद्धिमान का बाप कितना महान रहा होगा, और लोगों को पता चलना चाहिए, उसका नागरिक अभिनंदन कराए। और अकबर की जीत, राजा की जीत, फिर क्या करें। ठीक है, कल रखो सुबह 9 बजे। निश्चित हो गया, पूरे राज में जाहिरात हो गई, बीरबल के पिता का नागरिक अभिनंदन होने जा रहा है, पूरे नगर में बात फैल गई। और बीरबल ने आकर घर कहा पिताजी को कि पिताजी, ये अकबर मानता नहीं है, आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता है। अरे बोले पुत्र, मुझे कहाँ इसमें तू ले जा रहा है। बोले नहीं मानता करे क्या, राजा जो ठहरा, आप आओ। बोले मैं क्या। बोले आप सुनो, ऐसा करना, अकबर बहुत मुखर है, बहुत बोलता है, आप एक भी प्रश्न का जवाब मत देना, बिल्कुल मौन बैठे रहना, सब मैं संभाल लूंगा, बोलना मत, बस बैठे बैठे हरि सुमिरन करते रहना जैसे आप करते, कितने भी सवाल पूछे देखते रहना, उसके सामने टकटकी लगाए, जवाब मत देना, बात के बाद में मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। नियत समय पर बीरबल पिता को लेकर आया, खचाखच दरबार भर चुका था, क्योंकि इतने बड़े आदमी के पिता का सम्मान होने जा रहा था। और अकबर ने भी इतना इज्जत आदर दिया कि अकबर की गादी के बराबर ऊंचाई पर दूसरी गादी लगाई, वहां बीरबल के पिता को बिठाया, फूलमालाएं पहनाई, शाल तो ये सब दिया, बड़े बड़े प्रवचन हुए, प्रमाण पत्र दिया, अभिनंदन पत्र दिया, लोगों ने तालियां बजा करके पूरे समारंभ को चार चांद लगा दिया। सब देख रहे हैं बीरबल के पिता की ओर, और अब अकबर ने बीरबल के पिता की ओर अपने आप को मोड़ करके बीरबल के पिता को पूछा कि वडील मुरब्बी, हाँ पूछ रहे, वो आपको आंख से ठीक से दिखाई देता है? तो बीरबल ने तो सिखा रखा था जवाब मत देना, तो वो बस अकबर के सामने देखता रहता है, कुछ जवाब नहीं। तो अकबर को लगा कि शायद मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि कानों से सुनाई नहीं देता होगा, तो पूछा, आपको कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता? तो बस वो देखता ही रहता है अकबर के सामने। आप सुबह सुबह में घूमने जाते हैं 1-2 किलोमीटर, 1-2 मील, देखता ही रहा, मोर को ध्यान लगे घन घोर से, एक नजर बस, और कोई एक नजर सामने देखते रहे तो बड़ी मुश्किल होती।
बिना पलक झुकाए कोई देखते रहे तो बड़ी हैरान की होती। भगवान ने व्यवस्था की है, कोई देख ही नहीं सकता, ऐसे पलक आ ही जाती वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। कोई आपके सामने देखा ही रहे तो आपकी बड़ी हालत खराब हो जाती, क्या करे उसको। हम एक जगह कथा करते थे, आजकल तो बहुत पंथ फूट पड़े ना, संप्रदाय बहुत फूट पड़े ना, दम भिन्न निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। कितने पंथ फूट पड़े संसार में, तो ऐसे पंथ निकलते हैं छोटे बड़े, किसकी 50 साल की आयु, किसी की 75 साल की आयु, किसी की 30 साल की आयु और समाप्त। जिम दम भिन्न कर मिला समाजा, गोस्वामी जी कहते हैं, निशतम घन खद्योत विराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। तो ऐसे छोटे बड़े पंथ, तो इस पंथ के कुछ लोग मेरे पास आए कि बापू आप हमारे केंद्र में आओ। तो हम तो पहले पहले गए, सुना था, हम गए तो जुआन भाई बहने होते हैं ज्यादा उसमें, हम तो बैठे और हमारे सामने बैठ गए और कहे कि बस आंखों में आंखों मिलाओ। अरे मैंने कहा ये कैसी पधरामणी, बस बस ये सत्संग उनका शुरू हुआ, बस आंखों में आंखों मिलाओ और चारों ओर से मानहु चितव चकोर। चारों ओर से टकटकी लगाए, उसको अभ्यास हो गया था बिना पलक मारे, बस ये तो बस लगी लगी। मोर को ध्यान लगो घन घोर से, घोर को ध्यान लगो नटकी, दीपक ध्यान पतंग लगो पनिहारी को ध्यान लगो, दीपक ध्यान पतंग लगो पनिहारी को ध्यान लगो मटकी, चंद्र को ध्यान चकोर लगो चकवान को ध्यान लगो चकवी, चंद्र को ध्यान चकोर लगो चकवान को ध्यान लगो। चारों ओर से सब टकटकी लगाए बैठे हैं, हम तो बिल्कुल, मैंने कहा कि ये क्या बात है, दो मिनट तीन मिनट बस वो तो। तो हमने कहा भाई क्या बात है। बाद में एक व्यक्ति बोली कि त्राटक करो, बड़ा रजोगुणी और तामसी शब्द है त्राटक, बचना मेरे भाई बहन बचना। तो बाद में मैंने उसको जवाब दिया कि देखो बहन, हम त्राटक वाले नहीं हैं और हम नाटक वाले भी नहीं हैं, तो हम तो फाटक वाले हैं कि किसी का अकस्मात न हो जाए तब जब चाहे फाटक बंद कर देते हैं और जब चाहे जरूरत हो तब पंथ खोल देते हैं। हमारा काम त्राटक का और नाटक का नहीं है, हमारा काम तो एक फाटक को खोलना और बंद करना ताकि समाज अकस्मात से बच जाए। तो होता है ऐसे पंथ निकले, पंथों ने तो मार डाला हिंदुस्तान को, समाज की और घटनाओं से समाज टूटता तो धर्म जोड़ता है, और जब धर्म के नाम पर छोटे बड़े गुट भारतीय सनातनता को तोड़ने की चेष्टा में लगे हुए हैं तब उसको कौन बचाए। सभी भारतीयों को, युवान भाई बहनों को तो बहुत दायित्व निभाना है इस देश का, ऊपर उठना है मेरे भाई बहन। रामचरितमानस में कथा आती है कि रावण जब सीता जी को लेकर भागा, जटायु मिला, चौंच मारकर उसको मूर्छित कर दिया रावण को, और मूर्छित रावण को जटायु चाहते तो उनकी 20 आंख फोड़ देता। सरल था बिल्कुल, लेकिन जटायु ने कृत्य नहीं किया, क्यों कि हमारे देश में युद्ध में भी धर्म था और आज धर्म में युद्ध आ गया है। जहां देखो धर्म के नाम पर हल्ला, काटो मारो जलाओ हत्याएं, देश पूरा उसमें फंसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम जी ने जब रावण को मूर्छित कर दिया और सारथी रथ में लेकर वो उसको संभालता है तो राम जी उसके पास चले गए और दशानन को कहते हैं दशग्रीव
मुझे लगता है आपको बहुत आघात लगा है, आप बहुत थके और श्रमित हैं, ऐसा करें अब हम युद्ध न करें, अब घर जाएं, जरा विश्राम करें, जलपान करें, कल तैयार होकर आना। जब दशग्रीव को भगवान ने इतने ममता और प्यार से कहा तो रावण बोला है कि ऋषियों ने राघव का जो वर्णन किया है वो कम किया है, राम तो कई गुना अधिक महान है। तो जहां युद्ध में भी धर्म है, आज उसी देश की परंपरा में धर्म में युद्ध प्रवेश कर चुका है। छोटे बड़े गुटों ने तोड़ने का क्या जरूर। मेरे भाई बहन, हम आपको आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सनातन संस्कृति हमारी जो वैदिक परंपरा है उसी के राजपथ पर चलना। छोटे संकीर्ण मार्गों में जाओगे तो फंस जाओगे, आपको कोई निकालेंगे नहीं। लोगों ने अपना धंधा बना लिया है, गुटों बना करके सब विज्ञापन करते हैं, हमारा गुट बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा। अरे क्यों फंसे हैं? हमारे देहात में कथा कही जाती है कि एक छोटा संकीर्ण रास्ता था, बड़ा नली थी तो बहुत गहन थी, तो उसमें एक ही वाहन पसार हो सकता था। तो एक किसी सेठ की मोटर वहां से निकली भूल से, तो कीचड़ में खूब गई। वो कैसे निकाले? तो इधर उधर देखा तो दो आदमी खेतों से आए, उसने निकाल दी गाड़ी, गाड़ी रास्ते पर चढ़ा दी और 100 रुपये दिए इस किसानों को कि आपने बड़ी कृपा की, आप नहीं होते तो हमारी गाड़ी फंसी रहती और यहाँ हमको कौन मदद करता। 100 रुपये दिए। वो 100 रुपये लेकर जाते हैं तो इस सेठ ने पूछा कि आप काम क्या करते हैं? बोले यही, मतलब हाँ आपकी गाड़ी जाएगी पुनः हम रास्ते में पानी भर देंगे, दूसरे की गाड़ी आएगी तो वो भी फंसेगी, वो निकाल नहीं पाएगा, चिल्लाएगा हम आएंगे, वो भी 100 देता जाएगा। बस हमारा धंधा है लोगों को फंसाना और रुपया लेना, लोगों को फंसाना। संकीर्ण गुटों ने यही दशा हिंदुस्तान की कर डाली। राजपथ 90 फीट चौड़े मार्ग पर चलो, जहां आपको रेस्टोरेंट मिले, होटल मिले, मोटेल मिले, टेलीफोन मिले, अस्पताल मिले, सब सुविधाएं मिले। छोटे बड़े संकीर्ण मार्ग में फंस जाओगे, आ जाओ। कोई गए हो कहीं भी प्रलोभनों के कारण, कोई चले गए हो कोई भी दूसरी विचारधारा में, गरीबी के कारण किसी ने आपको फंसा दिया हो कि लो ये टिकड़ी लो और हमारा पिता तुम्हारा बुखार उतार देगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसी भ्रामक बातों ने तुम्हें फंसाया हो, तो तुम्हारा घर तुम्हें पुनः निमंत्रण दे रहा है, पुनः लौट जाओ वैदिक परंपरा की ओर, तुम्हारा निवास, तुम्हारा वतन तुम्हें पुकार रहा है। मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई, आज हिंदुस्तान में सर्वधर्म संभाव के नाम पर कितना भारतीय परंपरा को सहन करना पड़ रहा है, कितना सहन करना पड़ रहा है। और सत्ताधीशों को क्या है, उसको तो अपनी सत्ता की पड़ी है, अपनी गादी की पड़ी है, इसलिए सबको बस बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, वैसा करते रहे। प्रत्येक नागरिक जागे इस देश का। युवान भाई बहनों को तो मैं खास कहूंगा, आपको उठना है। दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहु पंथ, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या भविष्य का विचार करके बाबा जी ने लिख दिया? कभी किष्किंधा कांड पढ़ो, एक एक बात इतनी मूल्यवान कही है, एक और प्रकृति का दर्शन, एक और अध्यात्म वर्णन। घन घमंड नभ गर्जत घोरा पिया हीन डर पद मन मो दामिन कल के बचन संत सह जैसे भूमि परत भाड़ा भर पानी माया निपटान सरिता जल जल निधि महुदाई हो अतल जिनि चतुदा दुर्धुनि चहु दिशा सुहाई वेद कढ़ई जन बट समुदाई वेद पिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका
कहने का मेरा मतलब है, मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने बहुत अद्भुत बातें भविष्य के विश्व के लिए बताई, उसको जरा गौर करें। दम्भेन निज मत, कितने संकीर्ण पंथ फूट पड़े संसार में, भगवान बचाए। युवान भाई बहनों को चाहिए अपने घर से कहीं भी जाए अपनी झोली में रामचरितमानस और भगवत गीता रखे। इस देश का युवक बिना गीता और बिना रामचरितमानस लिए जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये तुम्हारा पासपोर्ट है, ये तुम्हारा अद्भुत पहचान है, तुम्हारा पहचान पत्र है ये प्रतीक। और मुझे आनंद है कि हम गुजरात और भारत के हर प्रांतों में बोलते रहते हैं, इसकी बहुत अच्छी असर होती जा रही है। कई नवयुवक, कई बहनें उसकी बेग बिस्तर में रामायण और गीता साथ ले। मैं तो कहूँगा कि रामायण आप पढ़ते हैं, मुझे बड़ा खुशी है इसकी, और पढ़ें, आप जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपको न पढ़ना आए तो भी साथ में रखो। एक स्वामी जी मुझे कह रहे थे कि बापू, रामायण को सीने पर रखने से सोते हैं तो कितने मंगलमय सपने आते हैं। शास्त्र की असर है मेरे भाई बहन, शास्त्र की असर, अपने साथ शास्त्र रखो। रामायण गीता के बिना घर से बाहर निकलना हिंदुस्तानियों के लिए अशकुन है। तुम्हारे शकुन है रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, और बहुत अच्छी हमराजी है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत युवानी आ रही है। हम केवल इतना चाहते हैं, बचपन में तो तुम्हारी आंख में आंसू थे, बूढ़े हो जाओगे तब आंसू आएंगे, लेकिन जुवानी में तुम्हारी आंख में प्रभु प्रेम के आंसू बना रहे, जौवन में तुम्हारी आंख, नयन में नीर, हृदय में पीर और मन में धीर। प्रत्येक भारतीयों का संकल्प होना चाहिए, हमारे मन में धैर्य हो, मन में धीर, हृदय में दीन दुखियों के प्रति पीर हो। मेरा बांधव है ये, मेरा भाई है ये, मानव है, पशु पक्षी सबके प्रति पीर रहे, मन में धीर, हृदय में पीर और नयन में नीर, बस यही भारतीयों की निशानी है। तो युवाओं को ये बहुत समझदारी के साथ करना है। कितने फूट पड़े हैं छोटे बड़े, हमको कोई पंथों से तकलीफ नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होते जा रहे हैं, फंस जाते हैं। इसलिए बोलते हैं पुनः चले आइए सनातन पंथ पर। हमारी संस्कृति पुरातन नहीं, सनातन है। पुरातन में तो इतिहास लग जाता है कि इतने साल पहले, इतने साल, सनातन में कोई अंक ही नहीं लगता, कितनी पुरानी, भगवान जाने। ये सनातन प्रवाह चला आ रहा है, उसी के तुम पथिक हो, उसी की तुम संतान। इस भारत का गौरव करें, इस देश का आदर करें, इस देश की परंपरा का जतन करें, इस देश को बदनामी न मिले ऐसा चरित्र निर्माण करें अपनी अपनी जगह से, क्योंकि ये देश महान है। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। हम विदेश में साल में एक डेढ़ मास जाते हैं, लेकिन तुरंत लौट आते हैं। दुनिया के और देश देखने जैसे जरूर है, लेकिन रहने जैसे नहीं है। रहा तो यहां जाए, वहां शुद्धि जरूर है, स्वच्छता जरूर है विदेशों में, लेकिन यहां पवित्रता है। स्वच्छता और पवित्रता में बहुत अंतर है। इन लोगों के टॉयलेट बाथरूम स्वच्छ है, लेकिन रसोई घर बहुत खराब है।
और यहाँ गंदगी है तो गाय की है, गायों की गंदगी है, जिसके गोबर की भी हमने पूजा की है, जिसके गोमूत्र को हमने पिया है भारतीयों ने। मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिर में यदि एक महात्मा कह रहे थे कि गंदगी यदि है तो भी गीता का पाठ वहीं हो सकता है। टॉयलेट में कितनी स्वच्छता हो, गीता पाठ वहीं नहीं हो सकता। ये देश है, ये भारत है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहां की गिरिकंदराओं में ऋषि मुनि हरि नाम की माला जपा करते हैं वैश्विक शांति के लिए, समस्त मानव जात के लिए, ऋषि मुनि जपते हर नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाते आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पर्दा डेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे इस राष्ट्र का गौरव करना है मेरे भाई। ये उपनिषद का देश है, ये हिमालय और गंगा का देश है, ये त्याग और तपस्या का देश है, ये समाधियों का देश है, सत्ताधीशों का देश नहीं है, ये पादुका का देश है, पदों का देश नहीं है। यहाँ तो पादुका पूजी जाती है। तो मेरे भाई बहन, छोटे बड़े पंथों से बचे, गुटों से बचे, सनातन संस्कृति की राह पर आ जाए। तो हम त्राटक वाले नहीं हैं, हम नाटक वाले नहीं हैं, हम तो फाटक वाले हैं, फाटक वाले। तो बस जितने प्रश्न पूछे बिरबल के बाप ने टकटक ही लगाई थी। अकबर पूछता चला और बिरबल का बाप देखता चला, नहीं पलक फूकी बस देखता ही रहता। मोर को ध्यान लगो घन घोर से, दीपक ध्यान पतंग लगो बनी। बहन बहन जी कीर्तन में बहन, कहने का मतलब आपका खाना ठीक से पच जाता है? तो बिरबल का बाप बस देखता ही रहता है। आप ठीक से नींद ले सकते हैं? बस देखा देखा, बस दर्शन तृप्ति न आज लगी। प्रेम प्यासे ने अकबर थक गया कि क्या आदमी से मुलाकात हुई है, एक लफ्ज तक न बोले और बस देखता ही रहा। शर्म मुझे आने लगी अब कि बस निगाह हटाता ही नहीं। तब गुस्से में आकर सम्राट ने बिरबल पर टाना मारा कि बिरबल शहनशाह,
कोई मूर्ख से मुलाकात हो जाए तो क्या करना चाहिए? हैं? बिरबल की बुद्धि घूम गई कि तेरी ये हिम्मत? बड़ा सटीक जवाब दिया। क्या कह रहे हैं आप शहनशाह? बोले कोई मूर्ख से मुलाकात हो जाए, यानी अकबर ये कहना चाहता था कि ये कब से चुप बैठा है, एक लफ्ज तक नहीं बोलता, इस मूर्ख से मुलाकात हुई तो क्या कर, मूर्ख से मुलाकात हो जाए तो क्या करना चाहिए? बिरबल ने कहा तब मौन रहना चाहिए। जैसे मेरा पिता मौन रहा ना, क्योंकि वो जान गया कि ये मूर्ख से मुलाकात हो रही है। दिल्ली का शहनशाह हारा क्योंकि उनको सटीक जवाब मिल गया कि मेरा बाप जानता है कि तेरे जैसे मूर्ख की मुलाकात हो तब चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बिरबल ने पूछा होगा कि अब मेरे पिता का अभिनंदन और करना? बोले बस अब तुम और दोनों जाओ। हो गया अभिनंदन। जिसको क्रोध बहुत सताए वो मौन रखे। मौन वाणी के तप को बढ़ाता है, मुखरता बिखेर देती है। इसलिए तो दक्षिणामूर्ति में गुरु मौन है, शिष्य के संशय छिन्न हो जाते हैं बिना बोले। तो जिसको बहुत क्रोध सताए वो मौन रखे, मौन में बड़ा फायदा है। शिव जी में एक कौशल्य है कि वो क्रोध भी करते हैं और करुणा भी करते हैं। अब ते तब रतिनाथ कर हो ही नाम अनंग, रति तेरे पति का नाम अब अनंग होगा, बिनु वपु व्याप ही सब ही। अब तेरा पति बिना शरीर सबको व्यापेगा, सुनु निज मिलन प्रसंग। अब तेरे पति का तुझे मिलन कब होगा वो तो मैं बताऊं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। यदुवंश में जब कृष्णावतार होगा, महाभार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे, उसी समय कृष्ण का पुत्र तुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। अब तेरा पति बिना शरीर सबके मन में, क्योंकि शंकर जी को लगा कि काम समाप्त ही हो जाए तो दुनिया ठप हो जाए, जगत आगे बढ़े ही नहीं, काम भी तो कृष्ण की विभूति है, तो शरीर से उसको वो करके बिना शरीर सबके मन में निवास करवा दिया उसको, और शरीर से तुम्हें तेरा पति द्वापर में मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। रति सुनकर लौट गई, स्वार्थी देवता लोक के झुंड आ पहुंचा ब्रह्मा की अगवानी में। सब देवता लोग आकर पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे शिव जी की। शिव जी ने कहा प्रशंसा बंद करो, क्योंकि आप लोग देव हैं, मैं महादेव हूं, मैं आपको भलीभांत जानता हूं, मूल बात क्या है? तो ब्रह्मा जी नायक हैं, बुद्धि के प्रधान देवता है ब्रह्मा, अहंकार शिव बुद्धि अज। ब्रह्मा जी को बुद्धि के देवता बताए, मन सचित महान। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम ऐसे निकले थे विहार करने के लिए सब देवता, तो ये देवता लोग कब से मेरे पीछे पड़े हैं बहुत दिनों से, कि आजकल देवलोक में किसी का ब्याह नहीं होता, किसी की बारात में जाने का अवसर नहीं मिलता, और बिल्कुल रसहीन वातावरण हो गया है। तो मैंने कहा चलो शंकर जी से प्रार्थना करें और उसका ब्याह हो जाए। कितनी होशियारी से रजुआत की है, चतुर है ब्रह्मा, बुद्धिमान है। तो आपका ब्याह हो जाए सबकी इच्छा है, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं हे भगवान। भगवान शंकर कहते हैं मन में कि आप कहे और मैं ब्याह के लिए राजी हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मेरे ठाकुर ने आज्ञा दी है, बाकी आप कहो, आप तो स्वार्थ साधने के लिए निकले, बड़े चतुर है देवता। और भगवान शिव जी के पास कितनी चतुरता चलेगी, लोग बुद्धिमान होते तो भगवान से भी बुद्धि चलाते। एक फकीर बाजार में चला जा रहा, बड़ी पुरानी कथा, जा रहा था और भगवान से कह रहा एक रुपया दे दो तो 25 पैसे तेरे नाम पर खैरात कर दूं, एक रुपया दे दो तेरे घर कहां कमी तो 25 पैसे का धर्मादा कर दूं और 75 पैसे मेरे गुजारे के लिए। और भगवान को दया आ गई तो बस उसी समय आकाश से एक रुपया गिरा, और जैसे रुपया देखा और बुद्धि बिगड़ी। रुपयों ने तो बड़ों बड़ों की बुद्धि बिगाड़ दी है ना, ये रुपयों का तो खेल है। फकीर की बुद्धि में वो आया कि मैंने ये जाहिरात क्यों की कि रुपया दे तो 25 पैसा तेरे नाम पर निकालूंगा, इतनी जल्दी भी क्या थी। तो कहने लगा लक्ष्मीपति हो तेरे घर कहाँ कमी है,
मैंने 25 पैसा निकाला तो भी ठीक है, ना निकाला तो भी ठीक है, तेरे घर तो कोई कमी नहीं, तू तो भगवान समझने लगे कि अब बुद्धि बिगड़ी। गया कोई फरसान वाले की, मिठाई वाले की दुकान पर, 1 रुपये की मिठाई दो। तो मिठाई वाले ने, दुकानदार ने लेकर कहा कि ये रुपया जरा घिसा हुआ है, पूरे रुपयों का माल नहीं मिलेगा, 75 पैसे का मिलेगा। फकीर ने कहा तू बड़ा हिसाबी लगता है, 25 पैसे पहले ही निकाल लिए तूने। वो छला नहीं जाता मेरे भाई बहन, उसको कोई चेष्टा करे नहीं। महादेव हंसे और कहा कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, हा भर दी शंकर भगवान ने, देवताओं ने बाजे बजा दिए, शिव के ब्याह का निर्णय हो गया। उसी समय सप्तऋषि आए, सप्तऋषि को भेज दिए गए हिमाचल प्रदेश। वहां पुनः एक बार सप्तऋषि ने पार्वती की कसौटी की, पुनः पार्वती उत्तीर्ण, और हिमाचल को काम दहन रति वरदान की बात कही सप्तऋषियों ने। वेद विधान से लग्न पत्र तैयार हुआ और पत्र लेकर सप्तऋषि आकर ब्रह्मा को देते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र पढ़कर सबको सुनाया कि भगवान शंकर के ब्याह का बहुत कम दिन आए हैं, जल्दी तैयारी करो, सजाओ, सब तैयारियां शुरू कर दो। और लग्न की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन स्वार्थी देवता लोग अपने विमान को, अपने शरीर को, अपने समाज को तैयार करने लगे, लेकिन शंकर को कोई संवारने नहीं गया। वरना ये सब जानते हैं कि उनको न माता है, न पिता है, न भाई है, न भगिनी है, कोई है, लेकिन स्वार्थी है। शंकर भगवान जिसका ब्याह होने वाला है वो अकेले बैठे और सब देवता लोग अपने आप को सजाए जा रहे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर को उनके गण सजाने लगे। भूत प्रेत जो थे वो अपने मानस के अनुसार सजाएंगे, तो गोस्वामी जी लिखते हैं गण लोग शंकर को, दुल्हे को संवारने लगे। आइए हम भी बाबा जी के साथ भोले बाबा का श्रृंगार करें कि बाबा चले हम भी आपकी बारात में। शिव ही शंभुगण करही श्रृंगार, शिव ही शंभुगण करही श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा जटा का मुकुट बनाया, सर्प को मोर मुकुट बना दिया, गण संवार रहे हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति चिता भस्माले को करल भस्म पट धरो, विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट भाले बाल विधुर गले करलम, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीना
पवित नयन की नूप नयन की उमड़ पड़े। और हम कथाओं में कहा करते हैं कि एक ऐसा दुल्हा इस देश में विश्व में ब्याहने गया जिसकी बारात में जगत भर से लोग बाराती बनकर आए, क्योंकि मौत तो सब जगह है और जहां मौत होती है वहां श्मशान होता है और जहां श्मशान होता है वहां भूत प्रेत होते हैं। तो बाबा जी के लोग हर देश में है, उनके आदमी हर जगह है फैले हुए। तो हम कथाओं में कहते हैं कि जब शंकर भगवान का ब्याह हुआ तब हिंदुस्तान के श्मशानों से ही भूत प्रेत आए, ऐसा नहीं अमेरिका से भी आए, यूरोप से भी आए, अफ्रीका से भी आए, सब जगह, अरब कंट्रियों से भी, सब जगह से आए होंगे ना, क्योंकि मौत तो सब जगह है, सब जगह श्मशान है तो सब। लेकिन फर्क इतना होगा रहा होगा कि हिंदुस्तान के श्मशान से जो भूत प्रेत आए होंगे वो शुद्ध जल पीते होंगे, पवित्र जल पीते होंगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से जो भूत प्रेत आए होंगे वो कभी कभी जो आप पीते हैं वो पीते होंगे। आई बात समझ में? हाँ, अनुभवी को जल्दी आ जाएगी बात समझ में, जो अनुभवी होंगे उसको जल्दी आ जाएगी। वो ऐसा पीते आए होंगे, इस देश के जो भूत प्रेत रहे होंगे वो हर हर बोलते होंगे, और विदेश से जो भूत प्रेत आए होंगे वो हाय हाय वो बोलते होंगे, उनकी भाषा बोलते होंगे। विदेश में लोग हाय हाय बहुत बोलते हैं, जब देखो हाय, बस टेलीफोन लिया और हाय हाय हरी हरी बोल, ये भाषा है उसकी, क्या करें। हम अमेरिका में कथा करने गए तो हमारे महाराज, रसोई करने वाला महाराज तो कथा में घर में रहता, हम कथा में चले जाते, किसी का टेलीफोन आता तो बोल लेता हाय, अरे तू कहाँ हाय हाय शुरू कर दिया, तू ये कहाँ शुरू किया तू, हाय ले। हमको भी लोग कहते बापू किसी का आपका फोन है जरा लीजिए, तो हम टेलीफोन ले तो कहते हैं बापू और कोई काम नहीं है जरा आपसे हाय कर ले, ले। अरे हम आपको बाय करना चाहते हैं और आप एक प्रार्थना करूं, आप अंग्रेजी जरूर पढ़ें, जरूर सीखें, भाषा है उपयोगी भाषा है, लेकिन अपने घर में हिंदुस्तानी बोली बोले, अपनी भाषा बोले बस, अपने घरों में अपनी भाषा पाई। जापानीज को आप गला पकड़ लो फिर भी नहीं बोलेगा अंग्रेजी, बोलेगा जान 99% नहीं बोलेगा, अपनी भाषा ही बोलेगा। और हम बस अंग्रेजी थोड़ी आ जाती है तो बोलो जरूर जहां तक बोले, लेकिन हमारी भाषाएं कोई कम है? हिंदुस्तानी भाषाएं लीजिए, भाषा सब लीजिए, हर एक प्रांत की भाषा, भारत का बाग मुखरित है, थाली एक है व्यंजन अनेक है, हिंदुस्तान अखंड है उनमें व्यंजन, राजस्थान है, इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, मद्रास है, केरला है, कर्नाटक है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कश्मीर है, आसाम है, नागालैंड है, जो है ये सब व्यंजन है भारत के थाल में। व्यंजन बिलग बिलग भले हो लेकिन थाली एक रखो। आज हम लोग व्यंजन को मिलाने की चेष्टा करते हैं और थाली को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा मत करो। हर भाषा इतनी दिव्य है, अपनी बोली बोलो बस, अंग्रेजी जरूर बोलो, कोई सवाल नहीं। हमको अंग्रेजी नहीं आता इसलिए हम आलोचना नहीं करते हैं भाई, वरना जो चीज नहीं आती उसकी लोग आलोचना, ऐसा नहीं, हम आदर करते हैं अंग्रेजी भाषा, ठीक है बोलो, लेकिन घर में भी लोग पढ़े लिखे लोग बस अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, हिंदुस्तानी भाषा आपको ना आती हो तो एक बात और है, घर में अपनी भाषा बोलो, अपनी भाषा में ताकत है, कितनी अद्भुत ताकत। ये संस्कृत तो क्या बताएं, निकलता जा रहा है, हाँ? और सरकार होश में नहीं है,
होश में नहीं, ऐसा ही कहूं क्या कहूं। देवगिरा जो है हमारी, क्या भाषा, कितनी महान वाणी है ये देव, उसको तो बिल्कुल आदर नहीं दिया जाता है, उसको सम्मान नहीं, उसको बिल्कुल उसको वो करने की वो नहीं होती है। हा? आप सब घर घर में संस्कृत के स्तोत्र बोले, अपने बच्चों के पास सुबह से कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने घरों में संस्कृत के कुछ स्तोत्र प्रार्थना महिमन हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, कोई भी लो, आपको जो रुचि है, कृष्णाष्टक लो, यमुनाष्टक लो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमंदरेणुत्कटा विशुद्ध मथुरातटे सकल गोप गोपी। क्या हमारे स्तोत्र है, आचार्य चरणों ने क्या देन दी है विश्व को। अपने घर में अपनी भाषा रखो, बस जो अपनी बोली हो, कितनी मजबूत भाषाएं, कितनी मजबूत हमारी बोली है। हम राजस्थान में कथा कह रहे थे तो एक मुस्लिम दंपति हमको हमारे निवास पर रात को एक राष्ट्र गौरव बढ़ाने वाला गीत सुनाने आए राजस्थानी भाषा, उसकी कुछ पंक्तियां हमको याद रह गई। क्या बोली में ताकत है देखिए। धरती धोरारी धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धोरारी धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धोरारी धोरारी, धरती पीरारी पीरारी, रामदेव पीर राजस्थान की धरती, धरती पीरारी पीरारी, पीरारी पीरारी, धरती वीरारी वीरारी, महाराणा प्रताप, धरती वीरारी वीरारी, धरती मीरारी मीरारी, मीरा धरती मीरारी मीरारी, आ तो सुरगा को शर्माए, ई पर देव रमण ने आए, ई रोजस नारी नर गाए, धरती धोरारी धरती धोरारी, आ तो सुरगा को शर्माए, ई पर देव रमण ने आए, ई रोजस नारी नर गाए, धरती धोरारी धरती धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धोरारी धोरारी, धरती धोरारी। कवि कहता है आ तो सुरगा को शर्माए, स्वर्ग को लज्जित कर रही है, आ तो सुरगा को शर्माए, ई पर देव रमण ने आए, देवता यहाँ रमण करने के आते हैं, आपको आते हैं। आ तो सुरगा को शर्माए, ई पर देव रमण ने आए, ई रोजस नारी नर गाए, धरती धोरारी धरती धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धोरारी धोरारी। कवि कहता है बहुत सुंदर पंक्तियां हैं राजस्थानी भाषा में, भाषा का मूल्य करो। ईरी सतरी आन निभावा, ईरी सतरी आन निभावा, ईरे सत को नाही लजावा, ईरे सत को नाही लजावा, ईरे माथो हेठ चढ़ावा, धरती धोरारी ईरे माथो भेट चढ़ावा, धरती धोरारी धोरारी। जयपुर नगरारी पटरानी, जयपुर पूरा राजस्थान का इतिहास,
जयपुर नगरारी पटरानी, कोटा बूंदी गज अनजानी, कोटा बूंदी गज अनजानी, कोटा बूंदी गज अनजानी, चंबल के वे ईरी काणी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, चंबल के ई पर तनडो मनडो वारा, 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 ई पर जीवन प्राण उबारा, पर जीवन प्राण उबारा, पर जीवन प्राण उबारा, ईरी धजा उड़े गिगनारा, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ईरी धजा उड़े गिगनारा, धरती धोरारी, 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 धरती धोरारी, धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी, आतो सुरगा को शर्माए, पर देव रमण ले आए, इरो जस नारी नर गाए, धरती धोरारी, धरती धोरारी, आतो सुरगा को शर्माए, पर देव रमण ले आए, इरो जस नारी नर गाए, धरती धोरारी। हर प्रांत की भाषा अपना अपना गौरव लिए है इस देश में, सबका आदर करते हुए अपनी भाषा को आदर दे। गुजरात में आइए, सौराष्ट्र में आइए, जननी नहैया माँ पोढ़ंता, पोढ़ंता पिधो कसुंगी नो रंग, नी धोला धावन केरी, धाराए धाराए घोड़ो कसुंगी नो, धोला धावन केरी, धाराए धाराए घोड़ो कसुंगी नो, रंग हो राज मन लागो कसुंगी नो, रंग हो राज मन लागो कसुंगी, जमान लागो। तो चर्चा ये है मेरे भाई बहन कि इस देश से जो भूत प्रेत आए वो अपनी भाषा बोल रहे होंगे, विदेश से आए सो अपनी भाषा, और हमारे शिवजी तो सब जानते हैं, सबको समादर दिया, तनुचीन को अतिपीन पावन को अपावन गति धरे, मानसकार कहे कोई पुष्ट है, कोई एकदम कृश शरीर है, कोई पावन है, कोई ऐसे हैं, कई प्रकार के भूत प्रेत आए, इन सब को गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी ने समादर दिया। शंकर जी ने सोचा कि गंगा सबको समादर देती है तो गंगाधर कैसे तिरस्कार कर, सबको आदर दिया, और इतने भूत प्रेत आ गए कि देखकर देवता लोग कहने लगे जस दूल्हा तस बनी बराता, अब जैसा दूल्हा ऐसी बारात बन गई, कौतुक विनोद होते हैं और बारात चल पड़ी। यहाँ हिमाचल ने बहुत सुंदर बितान बनवाया, जिस मंडप में दुल्हन के रूप में साक्षात जगदम्बा भवानी बैठने वाली हैं और शिव जी दुल्हे के रूप में बैठने वाले, इस मंडप को कौन वर्णन कर सके, पहाड़ों की देवता, नदियों की देवता, समुद्र की देवता, वनस्पति की देवता और सरोवरों की देवता कामरूप देह धारण करके हिमालय के घर मेहमान हुए। बारात आई, देवता लोग बड़े चतुर है, सोचा कि शंकर और इनके समाज को हम आगे रखेंगे तो अगवान लेकर जो आएंगे इनमें से कोई रुकेंगे नहीं, सब भाग जाएंगे भयभीतों, और शंकर जी का अपमान होगा तो वो तो सह लेंगे,
लेकिन हम पीताम्बर वाले हैं, हम ऐसे भूषणधारी हैं, हमारा अपमान होगा तो हमको कौन निवास पर पहुंचाएगा। तो स्वार्थी देवताओं ने पहले अपने आप को रख दिया, सबसे पहले विष्णु, बाद में इंद्र, कुबेर, वरुण, ताता लग गया, शंकर जी को बिल्कुल पीछे रखे, पहले हमारा सम्मान हो जाए, बाकी दूल्हे का जो हो वो। और बारात का सम्मान करने के लिए अगवान लेकर आए लोग हिमाचलवासी, और सबसे पहले भगवान विष्णु को देखते ही लोग नाचने लगे, लोगों को लगा कि बस यही दूल्हे महाराज हैं, बहुत सुंदर है विष्णु। किसी ने पूछा, अविवेक हो तो क्षमा करना, आप दूल्हे महाराज हैं? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा तो पीछे है। लोग बहुत राजी हो गए, हमारी पार्वती कितनी भाग्यवान, उनके पति की बारात में आए, बाराती इतने खूबसूरत हैं, तो दूल्हा तो न जाने कितना खूबसूरत रहा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के सामने देखकर मन में हंस रहे कि दूल्हे को देखकर आप में से जीवित कितने रहेंगे, वही एक प्रश्न। विष्णु का सम्मान, वरुण, कुबेर, इंद्रादि देवताओं का सम्मान, अंत में भगवान शंकर का समाज आया। लेकिन ये भीषण समाज, भूत प्रेत, और शंकर जी स्वयं अपने हाथ से डमरू बजा रहे, दूल्हा खुद बजा रहा है, और बेल पर सवार दूल्हे को और उनकी जमात को देखकर एकदम ये लोग जो आए थे सम्मान के लिए, बिडरी चले वाहन, सब भागे, सब भाग पड़े, मंगल द्रव्य गिर गए, अपनी जान बचाते हुए सब भागे जा रहे। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने गणों को पूछा कि भाई ये क्या है, इस नगर में ऐसा रिवाज है क्या? बोले महाराज ऐसा नियम होता नहीं है, हमारे कदमों का प्रताप है भगवान कि ऐसा नियम शुरू हुआ। बोले किसी को पूछो कहाँ है लग्न मंडप, हम ऐसे ही चाहे, हमको कहाँ सम्मान की भूख है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो, ये न कि न कोई चिंता है सम्मान की निंदा की। शंकर भगवान अपने समाज के साथ लग्न मंडप के द्वार पहुंचते हैं, यहाँ महारानी मैना शिव को परिछन के लिए आती है। बहुत मन में भाव है कि दुल्हा कितना खूबसूरत रहा होगा, और दीप आरती सजाई हुई है, सोचा था महिना ने कि मैंने कलात्मक आरती बनाई है, दीप माला सजाई है, मैं आरती उतारूंगी तो मेरा जामात बहुत खुश हो जाएगा कि मेरी सास ने कितना सुंदर आरती सजाई। तो ऐसा भाव लेकर जब आरती करने गई और भगवान भूत भावन के भाल में चंद्र को देखकर आरती गिर पड़ी कि जिसके भाल में स्वयं चंद्र हो उनके सामने ये दीप की क्या कीमत है, आरती गिर पड़ी। और दूसरा कारण, विकट रूप देखकर आरती गिर पड़ी, जो कहना सो कहो, मैना मूर्छित हो गई, सखिया उनको लेकर रानीवास में, डर लगा मैना। शंकर जी ने गणों को पूछा कि ये पुनः क्या हुआ? बोले बस ऐसा ही होता चलेगा महाराज, और कुछ होने वाला नहीं। शंकर जी के पास देवता लोग आए और समझाने लगे, महाराज आपके गले के सर्प को देखकर कोई भी डर जाता है, आप सांप को जरा बिलक करें और जब तक ब्याह हो जाए कम से कम हमारे कपड़े अलंकार पहने, बाद में निकाल दिया करो। लेकिन महाराज अभी तो एक नगर की संस्कृति बिलक होती है महाराज, ये लोग आपको कैसे समझे, आपके गले में काल को देखकर आपकी सास डर गई। शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे मेरी सास की दया आ रही, क्यों कि मेरे गले में सर्प को देखकर, काल को देखकर उसको राजी होना चाहिए था कि उसका जामात काल को गले में डालकर आया, उसकी बेटी का सौभाग्य अखंड हो गया। उसको तो ऐसा पति चाहिए जो उनकी बेटी का सिंदूर मिटा दे, मेरे वेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरा जो साथ में कायम चलता है वो साथ चलेगा, इसमें कोई फरफार नहीं, बेटी देनी हो तो दे, कहेंगे कि चले जाओ तो चले जाएंगे, हम कहां संकल्प करके आए कि ब्याह करके ही जाए। कितनी सरलता है शिव जी की, मंत्रणा विफल हो गई, घर घर में दूल्हे की चर्चा चल रही है, जहां देखो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को कहते हैं तनुछार, ब्याल, कपाल, भूषण वगैरह बात होती है। नारद के प्रति सब खफा कि नारद ने यह दशा हमारी की। यहां पार्वती को गोद में लेकर होश में आई मैना अपनी बेटी से कहती है कि मैं हिमालय से गिरूंगी, मैं जल में डूब जाऊंगी, समंदर में, अग्नि में जल जाऊंगी, बदनामी मिले तो भले मिले, लेकिन मैं तेरा ब्याह इस दूल्हे से नहीं करूंगा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, जो फल कल्पतरु को लगना चाहिए सो बबूर को लग रहा है, विधाता ने तुम्हें सुंदरता देनी थी तो तुम्हारे पति को इतना कुरूप क्यों बनाया। पार्वती ने कहा मां करुणा का अवसर नहीं है, छोड़, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे पाव, मेरे भाल में जो सुख दुख लिखा है मैं जहां जाऊंगी पाऊंगी, और मां छोड़िए चिंता, बेटी मां को समझा रही है। इतने में नारद और सप्तऋषि नगर में आए,
और हिमाचल वासियों ने देखा और देखते ही नारद जी को कहा कि जैसे आए हो निकल जाइए आप। बोले क्या है कि आपके कारण जो स्मशान में रहने चाहिए वो बाजार में घूम रहे हैं और हम घर के बाहर नहीं निकल पाते, ये आपकी कृपा है महाराज। नारद को कहा कि आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। सम्मान नहीं होगा ये जानते हुए भी नारद हिमालय के घर गया, क्योंकि संत है, संत को क्या सम्मान क्या अपमान। आए और आए हैं महात्मा तो फिर तो सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन भाव के बिना सम्मान किया। महिना के पास जाकर नारद जी कहने लगे, देवी आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपकी बेटी कौन है, सुनो मैं उनकी कथा सुना दूं। नारद जी ने कथा सुना दी महिना को, बाबा जी ने लिख दिया। सियबेश सती जो तेगी अपराध शंकर पारी हरी हर बीरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागि दारुण तप किया सिजानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया सर्वदा शंकर प्रिया सर्वदा शंकर प्रिया। ये तुम्हारी बेटी गत जन्म में सती थी, सिया का वेश लिया इसलिए शिव ने त्याग दिया, दक्ष के यज्ञ में जल गई, आज तुम्हारे घर बेटी बनकर आई और अपने पति के लिए कठिन तपस्या की। ये तो जगदम्बा भवानी है, सदा सर्वदा शिव प्रिया है। जब खोलकर बात बता दी सब लोग पार्वती के पद को वंदन करने लगे। क्या मतलब इसका? हमारे घर में शक्ति है, हमारे द्वार शिव है, हमारे घट में शक्ति है और हमारी नजर के सामने जहां देखो शिव है, लेकिन सदगुरु जब नहीं बताता तब तक पता नहीं लगता, सदगुरु खोलता है। नारद जी ने घटना खोल दी और सबको शिव के प्रति नूतन आदर, पार्वती के प्रति एक दूसरा भाव, अब तो नया आदर। चार प्रकार की रसोई बनी, सबको भोजन करवाया और हमारे भूत भावन अखंडानंद शिव जी दुल्हे के रूप में आज हिमाचल के बाजार में उसका बरघोड़ा निकला है। हिमालय की बीथी बीथी से महिलाएं पुरुष पार्वती के भाग की सराहना करते हुए इन शब्दों में गाने लगे। दौरी तेरो परम भाग पार्वती
पार्वती का बड़ भाग है, शंभू जैसा वर मिला है। लोग गा रहे हैं शिव जी का सम्मान हुआ, ब्राह्मणों को वंदन करके हमारे भोले बाबा आसन पर विराजित हो गए। कन्या को जल्दी मंडप में लाइए। वो स्वामी जी कहते हैं, छवि खानी मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां सुंदरता की खान मा भवानी। मंडप में आई है, मर्यादा से आसन लिया, एक के बाद एक विधि होने लगा। मानसकार कहते हैं, गणेश जी की पूजा करवाई, कोई संदेह न करे। तुलसी जी कहते हैं, सुर अनादि जी जानी, यहाँ गणेश जी की जो पूजा है अनादि देव के रूप में है। हिमालय और महीना हाथ में दर्भ का तिनका और अपनी बेटी का हाथ लेकर भगवान शंकर के हाथ में पानी अर्पण कर रहे हैं। भगवान शंभू ने पानी ग्रहण किया, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है, बाजे बजे जय जयकार होने लगा है, महात्मा लोग आशीर्वाद देने लगे, शिव पात्र पार्वती का महान विवाह। रामो राज मणि सदा विजयते, रामं रमे शंभजे, रामेण विहता निशाचर चमु, राम नास्ति परायणं परतरं, राम स्यदा सोऽस्म्यहं, रामे चीतलय सदा भवतु मे, कुर्यात् सदा मंगलम। वर कन्या सावधान, शिव पार्वती सावधान, मंगल भावरी हुई, भावरी पूरी हुई। बाजे बजे जय जयकार हुआ, पर्वत की पार्वती सुहागन हुई। सब चीजें शंकर के चरणों में रख कर के हिमालय करबद्ध कहता है, नाथ उमा मम प्राण सन, गृह किंकरी करे हो, मेरी पार्वती को गृह किंकरी बनाना, कोई भूल चुक हो गई क्षमा कर देना, बेटी को विदा की बेलाई, शहनाइयों ने करुण स्वर सुर छेड़ दिए। पर्वत की पार्वती पति गृह जाने के लिए तैयार, सखियां रोने लगी। मानसकार कहते हैं, नारी शिखावन सब देने लगे। मैना दुखी है, विधाता को दोष देते हुए बोली, कत विधि नारी सूझ जग माहू, पराधीन सपने सुख नारी, पराधीन सपने सुख नारी, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा। शंकर पद की पूजा करियो बेटी, नारी का धर्म है पति देव। सब अपनी बेटी को विदा दे रहे हैं, डोली में बैठी पार्वती जा रही है, पूरा परिवार गदगद हुआ है, बेटी की विदा करुण हुआ ही करती है।
रामचरितमानस में दो कन्या का विदाय है और ये कुमार की विदाय है। दो जगह कन्यादान है, एक जगह कुमार दान है। एक तो भवानी कन्यादान, दूसरा जानकी का कन्यादान। लेकिन दुनिया में एक हिंदुस्तान में रामायण में ही घटना घटी, बेटी को तो सब बाप विदा देते हैं, ब्याहते हैं, किसी के हाथ में देते हैं, लेकिन एक निकला पिता वाली जिन्होंने कुमार दान किया। मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, गहि बाह सुनर नाग आपन दास अंगद कीजिए। विश्व का ये अभूतपूर्व घटना है मेरे भाई, जब प्रसंग आएगा तब हम कहेंगे। लेकिन बेटियों का तो युगों से चली आई परंपरा कन्यादान, लेकिन इस देश में और हमारे रामचरितमानस में एक वाली ऐसा, एक बाप ऐसा जो बेटे का देन देता कुमार दान। और ध्यान देना, कन्यादान देने के बाद बाप रोता है, दुख होता है, लेकिन जीवित रह सकता है। लेकिन रामायण का बाप बेटे का दान देकर तुरंत मर गया। राम चरण दृढ़ प्रीत करी बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमिकंठ ते गिरतन जान। एक कुमार दान हुआ है, विस्तार तब करेंगे बाली प्रसंग में। बेटी बाप ने विदा कर दी। शिव जी के साथ पार्वती आई कैलाश। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुतियां करते करते अपने अपने लोक की ओर विदा ली, और शिव पार्वती कैलाश पर रहकर उनका नित्य विहार कितनी मर्यादा से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। करही विविध विधि भोग गणन समेत बसही कैलासा, गणन समेत बसही कैलासा। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु वागर थाविव संप्रितो वागर प्रतिपत्तये, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास कहते हैं, तेहि श्रृंगार न कहु बखानी, तेहि श्रृंगार न कहु बखानी, तब जनमेउ षट बदन कुमारा, तब जनमेउ षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक तारक असुर समर जहि मारा। शिव और पार्वती का नित्य नया विहार जिसका कौन वर्णन करे। तुलसीदास जी ने एकदम मर्यादा लगा दी, जगत मातु पितु शंभु भव। कालिदास ने बहुत खुला वर्णन किया, कुमार संभव। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं माँ बाप का ऐसा वर्णन तुलसी को नहीं जचा, और एक चौपाई में कालिदास की पूरी श्रृंगार भर दी। हर गिरिजा बिहार नित नयु, पूरा कुमार संभव आ गया इसमें, खोलने की क्या जरूरत थी भाई। हाँ, लेकिन कालिदास ने माँ बाप के इस श्रृंगार को इतना खोला कुमार संभव में, आप पढ़ना कभी। लेकिन क्या तुलसीदास जी बचाव कर रहे, क्या हमारी संस्कृति को तुलसी सुरक्षा दे रहे हैं, हमारी परंपरा। एक आधी चौपाई में पूरा कालिदास उतारा है। हर गिरिजा बिहार नित नये, नित्य नया बिहार इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, मेरे माँ बाप हैं शिव पार्वती, उसके श्रृंगार। कालिदास भी कहते हैं, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश, वागर था विव संप्रितो वागर प्रतिपत्ये, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश।
कहते हैं मैंने ऐसा सुना है विद्वानों से कि शंकर और पार्वती का इतना खुला वर्णन हो गया कालिदास से तो उसका दंड मिला, उसको रोग हो गया और प्रायश्चित के लिए उसको रघुवंश लिखना पड़ा। अद्भुत है रघुवंश, कालिदास को कृपया पढ़िए, अद्भुत। रघुवंश में पढ़ता था, पढ़ा मैंने जब पहली बार, एक एक श्लोक पर हम बहुत देर तक रुक गए हैं, मेरे पास आगे नहीं पढ़ पाए। क्या उपमा देता है ये महापुरुष, अद्भुत अद्भुत, रघुवंश रघुवंश। लेकिन कालिदास जी से तुलसीदास जी ने बहुत लिया है लेकिन रखा है अपने ढंग से। दीप शिखा कहां से लाए तुलसीदास जी, कालिदास से लाए। इंदुमती के स्वयंवर में जो दीप शिखा की बात लाए कालिदास, पर हमारे तुलसी जी जब दीप शिखा की बात, कालिदास की दीप शिखा, जब इंदुमती निकलती है स्वयंवर में तो एक राजा के पास गई, तो दीप शिखा उनके पास गई तो राजा जरा प्रकाशित दिखाई देता है, लेकिन नापसंद किया इंदुमती ने, दूसरे राजा के पास गई तो वो जाखप आ गई, वो हो गया हमारी रामायण की दीप शिखा। सुंदरता कहूँ सुंदर करी, सुंदरता कहूँ सुंदर करी, छवि गृह दीप शिखा जनुबर। हमारी जानकी जी जब आई है पुष्प वाटिका में, सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी, मैं के ही पट तरो विदेह कुमारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी, सुंदरता कहूँ सुंदर करी, सुंदरता कहूँ सुंदर करी, छवि गृह दीप शिखा जनुबर। दीप शिखा कालिदास की उपमा है, इसलिए तो कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहा करते थे लोग, क्योंकि कालिदास के जमाने में उनके जैसे बहुत कालिदास हो उठे, सब अपने आप को कालिदास कहलाने लगे थे, तो मूल कालिदास को ढूंढना मुश्किल पड़ता था, इसलिए उनके आगे दीप शिखा कालिदास लिखना पड़ता था, क्योंकि सब कालिदास बनने लगे थे। तुलसी जी कालिदास की उपमा लेते हैं लेकिन रखते हैं संत की हैसियत से। दीप शिखा समझुबति तन मन जन हो सी पतंग, भज सी राम तज काम मद करहुं सदा सत्संग। तो पूरा कुमार संभव को उतार दिया, हर गिरिजा बिहार नित नयो, आ गए, क्या खोलने की जरूरत थी। तो बहुत काल बीता शिव और शिवा के इस दिव्य सुगंधी संसार को, और कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ बैर। जग जान शान मुख जनम करम, जग जान शान मुख जनम करम, प्रताप पुरुषा रथ महा, प्रताप पुरुषा रथ महा, यही है वृष के तु सूत ते ही है तुम्हें, ये चरित संक्षेप ही का, कल्याण काज, विवाह मंगल
भौतिक स्वामी का जन्म हुआ, इन्हें तारकासुर को मार दिया, दुनिया को शिव सुत के पराक्रम का पता लगे, इसलिए हमारे बाबा जी कहते हैं मैंने ये चरित्र संक्षेप में कहा। उमा शिव का ये विवाह जो गाएंगे नरनारी सुनेंगे, उनके विवाह कार्यों में मंगल कार्यों में भगवान भूत भावन सुख प्रदान करेगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन उपसंहार शिव चरित्र का। वेदन पावही पार तुलसीदास की अति मति मंद महिमन पारंते परम विदुषो स्तुतिर ब्रह्मादीना। तेरे महिमा को कौन पार पा सकता है, शिव का चरित्र सिंधु है, वेद भी पार नहीं पा सकता। बाबा जी कहते हैं मेरे जैसा अति मति मंद गवार कैसे वर्णन कर सके। इतना कहकर शिव चरित्र को विराम देते हैं। आगे की कथा कल सुबह 9 बजे भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण सदगुरु नमः पार्वती पते Thank you.
सुन लीजिए भैया, कल भगवान श्री राम का जन्म होने जा रहा है। सब लोग भैया मस्ती से आए और मस्ती ले खूब आनंद के साथ। कुछ बाबूजी के चरणों में बैठ कर जो मस्ती नहीं आई तो भैया क्या, भैया जाने की तो इतनी लगी रहती है, लेकिन कृपा है इस प्रभु की, परम पिता परमात्मा की। और भैया एक खास सूचना ये है, अब कुछ बाबूजी ब्यास गद्दी से उतर कर जाएंगे, कोई चरण मत छूना उनको, कसम है मेरी कोई चरण मत छूना बिल्कुल। दर्शन करिए खूब आनंद के साथ और बहुत शांति भी बनाए रखिए। अब आ जाइए श्री राम सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदी